देखिए, आज शुरू कर रहे हैं हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से मिनिमम 2 प्रॉब्लम हर साल हर एग्ज़ाम में, कंपटीशन एग्ज़ाम में बनती है, ठीक है। तो इसको बहुत ही ध्यान से देखना है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार और सिंपल टॉपिक है, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो आज पढ़ेंगे हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र में 3 मोड हैं हीट के ट्रांसफ़र के, एक तो कंडक्शन, एक कन्वेक्शन और एक रेडिएशन, ठीक है। आज इस लेक्चर में ये 2 पढ़ेंगे, कंडक्शन और कन्वेक्शन। कंडक्शन क्या होता है, किसी भी कंडक्शन कहलाता है, किसी भी कंडक्टर के अंदर या किसी भी मेटल के अंदर क्या है, हीट का या करंट का ट्रांसफ़र होना, उसे बोलते हैं कंडक्शन। और किसी भी लिक्विड या किसी गैस के अंदर हीट का ट्रांसफ़र होना, उसे बोलते हैं कन्वेक्शन, ठीक है। चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे पहले इसमें कंडक्शन। कंडक्शन में क्या है समझिए, जैसे हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। इस ये हॉट जंक्शन है, कितना, जिसका टेम्परेचर कितना है थीटा डिग्री सेंटीग्रेड, और एक ये कोल्ड जंक्शन है जिसका टेम्परेचर कितना है थीटा 2 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हॉट है, ये कोल्ड है, मतलब थीटा 1 बड़ा होगा थीटा 2 से। इन दोनों सोर्स के अंदर, इन दोनों जंक्शन के अंदर हमने क्या कर दिया, एक ही रॉड है, एक ही रॉड लगी है जिसकी लेंथ कितनी ले ली, एल, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या होगा, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट क्या होगी, ट्रांसफ़र होगी, ठीक। जैसे किसी भी कंडक्टर में करंट ट्रांसफ़र होती है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, ऐसे यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र होगी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, ठीक है। जैसे अगर हम बात माने, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे अगर हम देखें, तो यहाँ पे मान लीजिए इस पॉइंट पे टेम्परेचर क्या है 70 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस पॉइंट पे टेम्परेचर क्या है 60 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस है, तो यहाँ पे क्या होगी, हीट ट्रांसफ़र होगी। एक और बात ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे किसी भी कंडक्टर के अंदर जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो मॉलिक्यूल्स की वजह से होगी। मॉलिक्यूल्स की वजह से क्या, कि मॉलिक्यूल्स ट्रांसफ़र होंगे, नहीं। तो ध्यान रखना है, कंडक्शन में यानी कि हीट ट्रांसफ़र में मॉलिक्यूल्स कतई भी ट्रांसफ़र नहीं होते, मॉलिक्यूल्स सिर्फ वाइब्रेट करते हैं। यहाँ का जो मॉलिक्यूल्स है वो वाइब्रेट करेगा, जितनी ज़्यादा उस पर थर्मल हीट मिलेगी उतना ज़्यादा वाइब्रेट करेगा, और वाइब्रेट करेगा तो ये मॉलिक्यूल जब वाइब्रेट करेगा तो नेक्स्ट मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा, और नेक्स्ट मॉलिक्यूल से जब कोलाइड करेगा तो ये भी वाइब्रेशन में आएगा, और जब ये वाइब्रेशन में आएगा तो ये नेक्स्ट मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा, ऐसे ये वाइब्रेशन में आएगा फिर ये से कोलाइड करेगा। तो मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं, और वाइब्रेट करके क्या करेंगे, दूसरे मॉलिक्यूल से कोलाइड करते हैं। तो कोलिजन के थ्रू क्या होगी, हीट ट्रांसफर होती है, मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर नहीं होता, मतलब मैटर ट्रांसफर नहीं होता। एक और बात, इस पॉइंट से जो हीट ट्रांसफर हो रही है उसका रेट क्या है Q1, और इस पॉइंट से जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो कितना है Q2। तो जो दोनों से हीट ट्रांसफर हो रही है वो डिफरेंट डिफरेंट है, इसने हीट ट्रांसफर करी Q1, इसने हीट ट्रांसफर करी Q2। अब ऐसा कैसे हो गया, अगर हम बात करें यहाँ से, मान लीजिए जैसे करंट में क्या थी कि यहाँ से 5 एम्पीयर की करंट आ रही, यहाँ से 5 एम्पीयर की करंट आ रही, तो यहाँ से भी क्या आएगी, 5 एम्पीयर की करंट आएगी, ठीक है। तो इसमें अगर यहाँ से हीट अगर क्यू आ रही है तो यहाँ भी हीट क्या होनी चाहिए, क्यू, मगर यहाँ पे लिख रखा Q1 और Q2। तो सुनिए ये बात भी, जैसे यहाँ से फॉर एग्जांपल क्या हुआ, यहाँ से उसने एक पैकेट पास करा, इस पैकेट में मान लीजिए अमरूद है, ठीक, इसको 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 मिले पहले मॉलिक्यूल्स को, इसने 2 अमरूद अपने पास रखे, बाकी 80 क्या कर दिया, 2 मॉलिक्यूल इसने ऐसे कर लेते हैं, इसने 100 यहाँ से एक थैला पास किया जिसमें क्या थे 10 अमरूद थे, 10 में से इसने एक अमरूद इसने रखा, अगले को ट्रांसफर कर दिया। अब ये इसके पास 9 अमरूद आए, 9 में से एक अपने पास रखा और आगे क्या कर दिया, 8 ट्रांसफर कर दिया, इसने 8 इसको 8 मिले, इसने एक अपने पास रखा, 7 आगे ट्रांसफर कर दिए। इस टाइप से ट्रांसफर होता जाएगा, मतलब ये जो एक अमरूद रख रहा है इसका मतलब क्या है, ये जो एक अमरूद है, कहने का मतलब यहाँ से जो हीट आ रही है, यहाँ से जो हीट आ रही है उस हीट का कुछ पार्ट ये मॉलिक्यूल अपने पास रख लेगा वाइब्रेशन में, और बाकी को क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। अगर यहाँ से 10 एनर्जी आई तो इसने 1 रखी और इसके पास चली गई 9, 9 में से इसने 1 रखी इसके पास चली गई, इस टाइप से ट्रांसफर रखते जाएंगे। एक कंडीशन होगी कि इनका पेट भर जाएगा अमरूद, अब जब पेट भर जाएगा तो अमरूद रखना बंद, तो अगर मान लीजिए थैले में 10 अमरूद आए तो 10 के 10 आगे दे देगा, अब अपने पास नहीं रखेगा, फिर इसके पास 10 आए, ये भी इसका भी पेट भर गया, इसने भी आगे ट्रांसफर कर दिया, इसने भी ट्रांसफर कर दिया, इसने भी ट्रांसफर कर दिया, तो क्या होगा, तो जब तक क्या होगा, जब तक ये कैप्चर करेंगे हीट को तब तक तो आगे कम हीट ट्रांसफर होगी, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कब इनका टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा, तो जितनी हीट यहां से आ रही उतनी हीट ट्रांसफर हो जाएगी, उसे बोलते हैं स्टेडी स्टेट, ठीक है। तो इनिशियली जब हीट ट्रांसफर होगी तो पहले कुछ हीट अपने आप अपना टेम्परेचर बढ़ाने में लेंगे और बाकी हीट क्या करेंगे, आगे ट्रांसफर करेंगे, मगर एक कंडीशन ऐसी आती है जिसे बोलते हैं स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में यह है कि इस मॉलिक्यूल को जितनी एनर्जी सप्लाई हुई उतनी एनर्जी आगे क्या कर देगा, एमिट कर देगा, प्रमोट कर देगा, ठीक है, तो उसे बोलते हैं स्टेडी स्टेट। तो स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है कि जितनी हीट कैप्चर करी है उतनी हीट आगे सप्लाई कर देगा। चलिए, तो पढ़ते हैं इसमें आगे, देखिए
तो यहाँ हमारे पास क्या है, अब हमने क्या करा, मान लीजिए ये एक जंक्शन ये बन गया इस रोड का और एक जंक्शन ये बन गया, ठीक है। इसका टेम्परेचर कितना था थीटा वन, इसका कितना था थीटा टू, थीटा वन अधिक था, ये थीटा टू क्या था स्लो यानी कि लो था, तो हाई टेम्परेचर से हीट क्या होगी फ्लो करेगी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। चलिए लेट कर लेते हैं कि जो एल है, एल क्या है लेंथ ऑफ रोड हो गई, इस रोड की लेंथ हो गई। ए क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, किसका रोड का हो गया, ठीक। अब इसमें दो टर्म्स हैं, एक तो थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम और एक होती है स्टेडी स्टेट। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है और स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, दोनों बातें अलग हैं, दोनों में अंतर है। क्या डिफरेंस है टर्म्स में तो ध्यान दीजिए, अगर थर्मल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि उन दोनों का टेम्परेचर क्या है सेम है, ठीक। और अगर स्टेडी स्टेट की बात कर रहा है तो स्टेडी थर्मल स्टेट का मतलब हो गया, थर्मल स्टेट थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया कि दो ऑब्जेक्ट जो थर्मल इक्विलिब्रियम होंगे उनका मतलब है कि उनका टेम्परेचर क्या है सेम है, और टेम्परेचर सेम है तो उनके बीच में हीट ट्रांसफर नहीं हो रही। अब वो कहे स्टेडी स्टेट, तो स्टेडी स्टेट का मतलब है कि दो ऐसे पॉइंट, दो पॉइंट स्टेडी स्टेट में कहलाएंगे अगर क्या है उनका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो, सेम नहीं क्या हो कांस्टेंट हो। मान लीजिए इसका टेम्परेचर कितना है 70 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका कितना 80 डिग्री सेंटीग्रेड, अब ये फिक्स हो जाए, ये 17 से आगे ना हो ये 18 से आगे ना हो, फिक्स हो जाए कांस्टेंट हो जाए, तो इनके बीच में जो रेट हीट है वो एक कांस्टेंट रेट से फ्लो करती रहेगी। तो स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है कि ऐसे दो पॉइंट जिनका टेम्परेचर क्या हो जाए सेम नहीं कांस्टेंट हो जाए, ठीक है, उनके बीच में जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या हो जाए फिक्स हो जाए, तो उसे बोलते हैं स्टेडी स्टेट। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि ऐसे दो पॉइंट थर्मल इक्विलिब्रियम में कहलाएंगे अगर उनका टेम्परेचर क्या है सेम है, और जब टेम्परेचर सेम होगा तो उनके बीच में हीट ट्रांसफर नहीं होगी। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है कि ऐसे दो पॉइंट जिनका टेम्परेचर क्या हो जाए फिक्स हो जाए कॉन्स्टेंट हो जाए, अब यानी कि कह सकते हैं ए और बी दोनों का टेम्परेचर सेम तो नहीं होगा मगर कॉन्स्टेंट हो जाएगा, या कह सकते हैं ए और बी के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो टेम्परेचर ऑफ डिफरेंस जंक्शन आर तो क्या हो जाएगा सेम नहीं कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब इस पॉइंट का टेम्परेचर घटना बढ़ना बंद हो गया और इस पॉइंट का टेम्परेचर घटना बढ़ना बंद हो गया तो उस केस में क्या होगा उसे बोलते हैं स्टेडी स्टेट, और स्टेडी स्टेट के केस में क्या होगा जितनी हीट इस ऑब्जेक्ट को दी जाएगी उतनी आगे क्या कर देगा ट्रांसफर कर देगा, क्लियर। अब जो है कोई भी हीट का कोई भी पार्ट इसके टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करने में नहीं जाएगा। चलिए तो स्टेडी स्टेट का मतलब है कि Q1 इज इक्वल टू होगी Q2, मतलब अगर दो पॉइंट स्टेडी स्टेट में है तो इसका मतलब क्या है कि जितनी हीट A ने ली उतनी हीट क्या करेगी वो B को ट्रांसफर करेगा, ठीक है। तो Q1 और Q2 दोनों क्या हो जाएंगे उस केस में सेम हो जाएगी जैसे ही स्टेडी स्टेट में आ जाएंगे। स्टेडी स्टेट का मतलब अब इनके इन पॉइंटों का टेम्परेचर चेंज होना बंद हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा फिक्स हो जाएगा कॉन्स्टेंट, यानी कि दो पॉइंटों के बीच में अगर टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो जाए कॉन्स्टेंट तो उसे क्या बोलते हैं स्टेडी स्टेट, और उस केस में हीट फ्लो क्या हो जाएगा दोनों का सेम हो जाएगा, यानी कि जैसे करंट क्या होती है किसी वायर में सेम होगी तो ऐसे अब हीट भी क्या हो जाएगी वायर में सेम हो जाएगी, जितनी हीट यहां से फ्लो होगी उतनी यहां, यानी कि Q1 और Q2 क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। चलिए अब जो हीट ट्रांसफर होगी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी को, तो हीट ट्रांसफर होने का जो रेट है देखिए ये Q क्या है हीट और T क्या है टाइम, अगर हम किसी भी क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड करते हैं तो उसे क्या इंडिकेट कर देते हैं उसे क्या पढ़ते हैं उसे क्या बोल देते हैं रेट, ठीक है। किसी भी क्वांटिटी को पर यूनिट टाइम अगर हम लें तो उसे क्या बोलते हैं रेट, तो ये क्या कहलाएगा रेट ऑफ हीट, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, यानी कि हीट किस रेट से ट्रांसफर हो रही है। तो क्यू तो हो गई हीट और इसे टाइम से डिवाइड कर दूंगा टी है टाइम, और इसे क्यू को टी से अगर डिवाइड कर दूं तो ये क्या कहलाएगा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाया गया किसके ए के, ये जो रोड है इस रोड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस रोड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा क्या होगा हीट फ्लो ऑफ रेट, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होगा उतना ही ज्यादा होगा। तो एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, किसके रोड के, ठीक है, कौन सी रोड जिसके थ्रू हीट क्या हो रही है ट्रांसफर हो रही है। और दूसरा जो रेट ऑफ हीट ऑफ फ्लो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाया गया दोनों जंक्शन के टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कि जिन दो पॉइंटों के बीच में हीट ट्रांसफर हो रही है उनके टेम्परेचर डिफरेंस के क्या पाया गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखिए हॉट बॉडी जो हॉट जंक्शन था उसका टेम्परेचर था थीटा वन, और जो कोल्ड जंक्शन था उसका टेम्परेचर था थीटा टू, तो इन दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया थीटा वन माइनस थीटा टू, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाया गया किसके टेम्परेचर डिफरेंस के। और तीसरा जो रेट ऑफ फ्लो है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पाया गया किसके लेंथ ऑफ रोड के, यानी कि जिस भी वायर के थ्रू या जिस भी मटेरियल के थ्रू या कह सकते हैं जिस भी कंडक्टर के थ्रू क्या है हीट फ्लो हो रही है उसकी लेंथ के इन्वर्सली पाया गया। ये तीन एक्सपेरिमेंटली कंडीशन आए, तो कह रहा है कंडक्शन में ये बात मैंने आपको बताई दी है, कंडक्शन में मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट नहीं होता,
एंड कोलिजन के कारण एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफर होती है। तो कंडक्शन के अंदर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, और वाइब्रेट करने से क्या होंगे, वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करते हैं, और यही कोलिजन पॉइंट टू पॉइंट, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल होता चला जाता है, जिस कोलिजन के थ्रू क्या हो जाती है, एनर्जी एक पॉइंट मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफर होती चली जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कंडक्शन में मॉलिक्यूल्स का कोई मूवमेंट नहीं होता, मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर नहीं होंगे, यानी कि मैटर ट्रांसफर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ हीट ट्रांसफर होती है। किसकी वजह से, मॉलिक्यूल्स के कोलिजन की वजह से, और मॉलिक्यूल का कोलिजन किसकी वजह से होता है, वाइब्रेशन की वजह से। तो देखिए, तो Q अपॉन T यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाया गया था किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, किसके, कंडक्टर के, कंडक्टर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और दूसरा जो कंडक्शन है, कंडक्शन में जो जंक्शन है उन जंक्शन के टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और कंडक्शन जो है उसकी लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, जो भी कंडक्टर है उस कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उन दोनों जंक्शन के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जिस कंडक्टर के थ्रू हीट ट्रांसफर हो रही है उसकी लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है जी, चलिए यहाँ से प्रोपोर्शनल साइन हटाएं तो एक कॉन्स्टेंट आता है के, और ये जो कांस्टेंट की है इसे बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के लिए क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी, क्या बोलते हैं इसे, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। तो चलिए, तो Q क्या हो गया हीट, T क्या हो गया टाइम, Q अपॉन टाइम क्या कहलाएगा, ये जब भी किसी क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड करते हैं तो क्या पढ़ते हैं उसे, रेट। तो ये क्या कहलाएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, कि हीट किस रेट से फ्लो कर रही है, या हीट किस स्पीड से मूव कर रही है एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन की तरफ, कौन से जंक्शन से मूव करेगी, हॉट जंक्शन से कोल्ड जंक्शन की तरफ। तो वो जो इक्वल होगा किसका होगा, के इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय एल। ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है किसका, उस कंडक्टर का जिसके थ्रू क्या है, हीट ट्रांसफर हो रही है, और टी वन माइनस टी टू क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है किसका, जिन दो जंक्शन के बीच में हीट ट्रांसफर हो रही है, और एल क्या है, लेंथ है किसकी, कंडक्टर की। ठीक है, चलिए, तो के क्या हो गया, यहाँ कॉन्स्टेंट हो गया, जिसे क्या बोलते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटीरियल, और डिफरेंट डिफरेंट मटीरियल के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो Q अपॉन T क्या हो गया, वो इक्वल आ गया के ए थीटा वन माइनस थीटा टू अपॉन एल, या इसे डेल्टा थीटा बोल सकते हैं। अगर K की यूनिट निकलवाए कि K की यूनिट क्या है, तो देखिए यूनिट कैसे निकालेंगे K की, तो Q क्या है, हीट, हीट मतलब एनर्जी, एनर्जी मतलब यूनिट क्या होगी, जूल, और T है टाइम, टाइम किस पर ले लेंगे, सेकंड में। K की यूनिट मुझे निकालनी है, A क्या है, एरिया, एरिया क्या होगा, मीटर स्क्वायर, और ये क्या है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर हो या टेम्परेचर डिफरेंस हो, एक ही बात है, केल्विन में ले लेंगे। ठीक है, और लेंथ, एल क्या है, लेंथ है, ये भी क्या हो गई, मीटर, मीटर से एक मीटर कैंसिल हुआ ये बच्चा, तो बस के की यूनिट निकालनी है, तो सब इधर पहुंच जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, जूल अपॉन में क्या आ जाएगा, देखिए जूल, जूल अपॉन सेकंड को क्या बोल सकते हैं, एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम को क्या बोल सकते हैं, पावर, और पावर की यूनिट क्या होती है, वाट, तो जूल पर सेकंड या कह सकते हैं वर्क डन पर यूनिट टाइम, या एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या कहलाती है, पावर, और पावर की यूनिट होती है वाट, या जूल पर सेकंड को क्या लिख सकते हैं, वाट। तो वाट इज इक्वल टू हो गया के मीटर केल्विन। अब हमें के की यूनिट निकालनी, तो अपॉन में आ जाएगा कितना, वाट अपॉन मीटर केल्विन। ठीक है, या वाट को वाट लिख लो, या वाट को क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकंड भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गई, के की यूनिट हो गई, इसे रटने की जरूरत नहीं है, ये आप कभी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हमें देखना एनालॉग बिटवीन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड थर्मल कंडक्ट करंट। देखिए, जो जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट लेते थे तो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या फ्लो करती थी, करंट, ऐसे यहाँ पे क्या है, थर्मल सर्किट में क्या फ्लो करेगी, थर्मल करंट। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, थर्मल करंट। इनमें दोनों में रिलेशन बना रहे हैं, रिलेशन बनाते ही क्या होगी, प्रॉब्लम एकदम आसान से हो जाएंगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट आपने पढ़ी रखी है, जॉलीबिंद के बच्चे हैं उन्हें थोड़ी बहुत टेंथ में पढ़ रखा, उतने से काम चल जाएगा। चलिए, तो अगर थर्मल और इलेक्ट्रिक करंट की हम बात करें, आपस में कंपेयर करें, तो देखिए इसमें, इसमें जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट आई, आई जी कल्टी होती थी चार्ज, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या होती है, फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि क्यू अपॉन टी, क्योंकि क्यू जिकल टू होता है आई टी, तो यहाँ से आई जिकल टू क्या आ जाएगी, क्यू अपॉन टी। तो जो इलेक्ट्रिक करंट थी वो क्या थी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज अपॉन टाइम। ठीक, ऐसे यहाँ पे क्या है, ये आई करंट है, मगर कौन सी, हीट करंट। ठीक है, तो हीट करंट क्या होगी, हीट अपॉन टाइम। तो हीट अपॉन टाइम को क्या बोल देंगे, या कह सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, उसे क्या बोल रहे हैं, हीट करंट, यानी कि Q अपॉन T को। चलिए, तो Q अपॉन T क्या है, यहाँ पे हीट करंट है, और जिसकी वैल्यू होगी कितनी, ये भी हमने सोल्व करी है ऊपर, कितनी आई थी, के एट डेल्टा थीटा अपॉन एल। ठीक, तो इसे हम क्या बोलते हैं, हीट करंट। तो हीट करंट, अब ये देखिए, इस मैं क्या करूँ, इस के और ए को क्या कर लूँ, अपॉन में नीचे उठा लूँ,
इसको मैं अपॉन में नीचे उठा लूं तो क्या हो गया, जो हीट करंट है वो कितनी हो गई, डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा यानी कि थीटा वन माइनस थीटा टू अपॉन एल अपॉन के ए। अब इसको छोड़िए जरा, इधर देखिए इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता था, पोटेंशियल वी इक्वल टू होता था आई आर। इलेक्ट्रिक करंट अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक करंट का एक फॉर्मूला तो ये हो गया आई इक्वल टू होगी क्यू अपॉन टी, ठीक, जो इससे रिलेट कर रही थी आई इक्वल टू थी हीट अपॉन टाइम। तो यहाँ चार्ज किसकी तरह हो गया, हीट की तरह। चलिए यहाँ पे देखें पोटेंशियल वी इक्वल टू क्या था, आई आर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से आई देखूँ तो वो क्या था, वी अपॉन आर था। तो जनरली सब बुक और टीचर भी क्या पढ़ते हैं, आई इक्वल टू होगा वी अपॉन आर। वी अपॉन ये वी होता क्या है, ये पोटेंशियल नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो एक्चुअल में इसे कैसे लिखना चाहिए, डेल्टा वी इक्वल टू आई आर। तो आई इक्वल टू होगा डेल्टा वी अपॉन आर, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वी वन माइनस वी टू। तो अब इसको जरा देखिए, देखिए ध्यान से, ये भी करंट है वो भी करंट है, ये इलेक्ट्रिक करंट है वो हीटिंग करंट है, ठीक है, हीट करंट है। तो उसमें ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है वहाँ पे क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है। तो जो V है वो किसके इक्वल होगा, टेम्परेचर के। तो जो पोटेंशियल है, जैसा पोटेंशियल डिफरेंस है वैसे यहाँ पे क्या लेना, जंक्शन का टेम्परेचर डिफरेंस। तो जंक्शन का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो कैसे काम करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस की तरह, जैसे इलेक्ट्रिक करंट में। और यहाँ पे अपॉन में क्या था, रेजिस्टेंस। तो बाकी जितनी भी क्वांटिटी है वो सब क्या करेगी, रेजिस्टेंस की तरह। रेजिस्टेंस अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस देखें तो इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस निकलता था आर इजिकल टू होता है रो एल अपॉन ए, ठीक। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता था किसी भी वायर का, तो अगर R निकालें तो R इज इक्वल टू होता था रो L अपॉन A, ठीक। ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, यहाँ पे जो हीटिंग रेजिस्टेंस है वो क्या रहा है, हीटिंग रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू होगा, देखिए L अपॉन A तो इसमें भी है, उसमें भी L अपॉन A था, बस उसमें क्या था, इसमें रो L अपॉन A था, उसमें वन अपॉन के L अपॉन A है, ठीक है। तो दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जो हीटिंग करंट है, जो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस था वो यहाँ पे क्या लेना है, टेम्परेचर डिफरेंस, और जो यहाँ रेजिस्टेंस था वो यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया। इसका रेजिस्टेंस था आर इजिकल टू रो एल अपॉन ए, वहाँ पे रेजिस्टेंस है वन अपॉन के रो अपॉन ए, वो एल अपॉन ए। तो देखिए, तो जैसे वहाँ पे आई इजिकल टू था डेल्टा वी अपॉन आर, ऐसे यहाँ पे आई इजिकल टू होगा डेल्टा थीटा अपॉन आर। डेल्टा थीटा को जैसे डेल्टा वी को वहां लिख सकता हूँ वी वन माइनस वी टू, तो ऐसे यहाँ डेल्टा थीटा को लिख सकते हैं थीटा वन माइनस थीटा टू, और अपॉन में आर, वहां भी आर। यहाँ पे आर की वैल्यू होती थी रो एल अपॉन ए, और यहाँ पे जो आर की वैल्यू है वो कितनी है, एल अपॉन के इंटू ए, मतलब रोह की जगह क्या हो गया, वन अपॉन के हो गया। तो वन अपॉन के एल अपॉन ए, वहां पे रो होती थी रेजिस्टिविटी, और यहाँ पे के क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी है, ठीक है। चलिए, तो चार्ज तो किसकी तरह यूज होना है, हीट की तरह। जैसे यहाँ पे क्यू आई इक्वल टू होती थी क्यू अपॉन टी, तो वहाँ पे थर्मल ही थर्मल करंट कैसे होगी, वो होगी क्यू की जगह क्या ले लेंगे, हीट, यानी कि क्यू अपॉन टी। यहाँ पे जो करंट है वो वहाँ पे क्या होगी, हीटिंग करंट होगी। यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इलेक्ट्रिक सर्किट में वो वहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस होगा, ठीक। बस इस बात को ध्यान में रखना है, इसको माइंड में रखना है, सारी प्रॉब्लम एकदम से एक पाँच सेकंड में होती चली जाएंगी सॉल्व, देखिए। और क्वेश्चन आता जरूर है, इस बात का ध्यान रखना। कोई भी एग्जाम पेपर उठाइए पिछले साल का, हर साल कहीं ना कहीं क्वेश्चन होगा इसका। चलिए, कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड। अब रॉड का कॉम्बिनेशन, जैसे दो जंक्शन है, एक हॉट और एक कोल्ड, इनके बीच में मैंने दो रॉड लगाई। जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में दो रेजिस्टेंस लगाते थे, एक रेजिस्टेंस ये और एक रेजिस्टेंस ये, ऐसे दो रॉड अलग अलग लगा दी। तो दो रॉड का मतलब दो रेजिस्टेंस। इस रॉड की लेंथ L, इसकी भी लेंथ L, इसका भी एरिया क्रॉस सेक्शन A, इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, मगर इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो K1 है, और इसकी कितनी है, K2। तो यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम ले रहे हैं। तो इसको ऐसे ही बताया जा सकता है जैसे कि दो रेजिस्टेंस लगे, एक रेजिस्टेंस ये और एक रेजिस्टेंस ये, ये R1 रेजिस्टेंस हो गया और ये R2 रेजिस्टेंस हो गया, ये करंट आ रही है, सीरीज में हो गई है, और सीरीज में जितनी करंट इसमें आएगी उतनी करंट इसमें से पास होगी। सीरीज में करंट क्या रहती है, सेम, तो इसलिए इसमें भी थर्मल हीटिंग, थर्मल जो हीटिंग करंट होगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो देखिए, आंसर तो पहले से, तो आंसर हमें पहले से पता ही है कि जब भी दो रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े होते हैं तो उनका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसा आएगा, R1 प्लस R2। तो इसका भी जो रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 प्लस R2, ठीक है। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्योंकि ये सीरीज में हो गए तो कितना होगा, R1 प्लस R2। बस मन में याद रखना है कि I इज इक्वल टू क्या होती है, I इज इक्वल टू होगी चेंज इन टेम्परेचर अपॉन रेजिस्टेंस। जैसे वहाँ होता था I इज इक्वल टू होता था V अपॉन R, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, ऐसे ही होता है चेंज इन टेम्परेचर अपॉन रेजिस्टेंस। चलिए, पहली रोड के लिए निकाल लें। पहली रोड में जो करंट फ्लो करेगी अगर हम बात करें तो I इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा वी अपॉन आर। डेल्टा वी यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर में चेंज। अब टेम्परेचर में चेंज कैसे, जरा देखिए सुनिए इधर,
इसका टेम्परेचर कितना है, इसका इस जंक्शन का टेम्परेचर कितना था थीटा वन, इस जंक्शन का टेम्परेचर कितना था थीटा टू, और जहां पे ये दोनों रॉड मिल रही हैं उसका टेम्परेचर मैंने कितना मान लिया थीटा मान लिया। तो इन दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा, यानी कि जो टेम्परेचर, जैसे मान लीजिए इसका पोटेंशियल कितना है थीटा वन और इसका पोटेंशियल कितना है थीटा, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा थीटा वन माइनस थीटा, और करंट निकालनी तो क्या होगी डेल्टा वी अपॉन आर। ठीक है, तो देखिए तो आई इज इक्वल टू होगी डेल्टा वी अपॉन आर, डेल्टा बी की जगह बस क्या रखना है वो डेल्टा थीटा अपॉन आर, डेल्टा थीटा होगा कितना यहाँ पे थीटा वन माइनस थीटा अपॉन आर वन। ठीक, तो यहाँ से आई इंटू आर वन आ गया ये। अब यहाँ से दूसरे में करंट दोनों सीरीज में है तो करंट क्या रहेगी सेम, तो सेकेंड रोड में भी करंट आई रहेगी, उसे भी आई कहूँगा, और वो क्या होगी डेल्टा थीटा अपॉन आर टू, सेकेंड रोड का रेजिस्टेंस। ठीक, और वो डेल्टा थीटा होगा कितना थीटा माइनस थीटा टू, क्योंकि देखिए यहाँ से गए थीटा वन और ये थीटा, फिर यहाँ से थीटा से ये थीटा टू, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है थीटा माइनस थीटा टू। यहाँ से आई इन टू आर टू निकाल लो कितना आ गया थीटा माइनस थीटा टू, बस दोनों इक्वेशन को क्या कर लो ऐड। अब दोनों को हमने ऐड कर लिया तो आई वन आर वन प्लस आई टू आर टू, आई वन आर वन किसके इक्वल था थीटा वन माइनस थीटा, और आई टू आर टू किसके इक्वल था थीटा माइनस थीटा टू, दोनों को ऐड करेंगे तो थीटा प्लस माइनस का थीटा प्लस का थीटा कैंसिल, तो क्या हो गया आई इंटू आर वन प्लस आर टू इजिकल टू क्या हो गया थीटा वन माइनस थीटा टू। तो यहाँ से करंट आ गई कितनी थीटा वन माइनस थीटा टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। तो ये हम सोल्व करके निकाला, इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसे हम क्या करेंगे डायरेक्ट लिखेंगे। कैसे डायरेक्ट लिखेंगे आप समझिए, तो देखिए डायरेक्ट कैसे करेंगे, ये एक जंक्शन था, दूसरा जंक्शन ये था, इसका टेम्परेचर थीटा वन, इसका टेम्परेचर थीटा टू, इसमें करंट ही तो पूछ रहा था हीटिंग करंट कितनी होगी। ठीक है, तो सीधा सीधा से निकालना है, तो आप डायरेक्ट इससे इसका निकालो बस, इसका पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है थीटा वन, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है थीटा टू, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया थीटा वन माइनस थीटा टू अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा जी आई इजिकल टू होगी क्या पूरी इस और इस दोनों जंक्शन के बीच में नेट करंट फ्लो क्या होगी आई इजिकल टू होगी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर, डेल्टा आर कितना होगा आर वन प्लस आर टू। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस आर वन और इसका रेजिस्टेंस आर टू दोनों सीरीज में है तो जुड़ गए आर वन प्लस आर टू, टोटल रेजिस्टेंस तो हो गया आर वन प्लस आर टू, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इसके और इसके बीच में कितना हो गया थीटा वन माइनस थीटा टू, तो बस आई इजिकल टू होगी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा थीटा वन माइनस थीटा टू अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा सीरीज में होगा आर वन प्लस आर टू। ठीक है, आर कैसे निकलेगा वो तो तुम्हें पता ही है, किसी भी थर्मल रोड का, किसी भी कंडक्टर रोड का रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा आर इजिकल टू होगा एल वन अपॉन के वन इंटू एल वन। ठीक है, एल वन अपॉन के वन इंटू ए वन। ठीक है, किसी भी थर्मल रोड का रेजिस्टेंस क्या था, देखिए यही तो था रेजिस्टेंस एल अपॉन के इंटू ए, तो अगर आर वन निकालना तो एल वन के वन ए वन, आर टू निकालना तो एल टू के टू ए टू, मगर ए वन ए टू दोनों का सेम दे रखा तो वो सेम रख देंगे। तो समझ में आ गया, दोनों जंक्शन के बीच में कितनी थर्मल करंट होगी, तो थर्मल करंट आ जाएगी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर, और डेल्टा वी क्या हो गया टी वन थीटा वन माइनस थीटा टू अपॉन टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया, वो सीरीज में थी दोनों रोड, तो सीरीज में क्या हो जाएगा आर वन प्लस आर टू। क्लियर, और आर वन होगा किससे, आर वन अगर मुझे निकालना है तो वो किससे आएगा एल वन अपॉन के वन इंटू ए, और आर टू निकालना है तो किससे आएगा एल टू अपॉन के टू इंटू ए, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम है। चलिए, तो बस ये गोल्डन की पॉइंट रिगार्डिंग किसके लिए, कंडक्शन के लिए, तो कंडक्शन के रिगार्डिंग ये इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट है, ये बार बार मैं बता रहा हूँ, ये बता भी चुका हूँ फिर दोबारा बता रहा हूँ। तो जो करंट होगी कौन सी, हीटिंग करंट, अगर हीटिंग करंट निकालनी तो वो क्या होगी डेल्टा थीटा अपॉन आर। तो टेम्परेचर कैसे होगा, जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्टेज होता था पोटेंशियल होता था, ऐसे यहाँ पे क्या लेंगे टेम्परेचर, जैसे वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होता था तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस, रेजिस्टेंस बिल्कुल वैसे निकलेगा जैसे सर्किट में था, सीरीज में है तो सीरीज में आर वन प्लस आर टू, और अगर पैरेलल में है तो आपको पता है वन अपॉन आर इक्विवेलेंट निकलेगा वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू। तो रेजिस्टेंस इस केस में, थर्मल के केस में रेजिस्टेंस होता क्या है एल अपॉन के ए, जहाँ की एल क्या है लेंथ है कंडक्टर की, ए क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और ए क्या है थर्मल कंडक्टिविटी है। सीरीज में है तो दोनों जुड़ जाएंगे आर वन प्लस आर टू, और सीरीज में करंट क्या रहती है सेम, तो जितनी फर्स्ट वायर में होगी उतनी सेकंड वायर में होगी, या कह सकते हैं जितनी फर्स्ट कंडक्टर में होगी उतनी सेकंड कंडक्टर में होगी, क्योंकि सीरीज में करंट क्या रहती है सेम। चलिए, प्रॉब्लम इस टाइप की प्रॉब्लम एग्जाम में आती है, देखिए आईआईटी में प्रॉब्लम आई हुई, कितनी सिंपल सी प्रॉब्लम है, ये कह रहा है कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द इंटरफेरेंस जंक्शन इन द फॉलोइंग केस।
ये कह रहा है हमारे पास दो जंक्शन है, एक इस जंक्शन का टेम्परेचर कितना 100 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दो रॉड है रॉड वन रॉड टू, तो इन रॉड के जंक्शन का इसका इस पॉइंट का इंटरफेरेंस जहां ये आपस में इंटरफेरेंस करती है इसका टेम्परेचर बताना है। थोड़ी देर के लिए मैंने इसका टेम्परेचर कितना मान लिया थीटा डिग्री सेंटीग्रेड मान लिया, ठीक है। इसका ये इसका थर्मल कंडक्टिविटी देखिए के वन इसकी के टू, इसकी लेंथ भी एल और इसकी लेंथ भी एल, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का क्या दे रखा है सेम। चलिए तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो हमें क्या दे रखा है दोनों का सेम दे रखा है, तो के वन और के वन दे रखा है कितना 300 वाट पर मीटर डिग्री पर डिग्री सेंटीग्रेड, और के टू कितना दे रखा है 200 वाट पर मीटर पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो कह रहा है जंक्शन का टेम्परेचर बताओ, इस जंक्शन का टेम्परेचर बताइए। तो देखिए बहुत सिंपल सा है, ठीक है। चलिए सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम यह है कि हमारे पास दो रोड दे रखी हैं, तो दोनों रोड का रेजिस्टेंस निकाल लो। तो R1 क्या होगा, किसी भी थर्मल रोड का रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, थर्मल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, L अपॉन K इंटू ए। तो अगर R1 निकालना तो होगा L1 अपॉन K1 इंटू ए वन, एल और K दोनों की सेम है इसकी L L A, तो ये बस K1, और K1 कितना दे रखा है उनने 300। R2 निकाल लो तो वो L2 K2 A2, L2 और L1 दोनों सेम ही है L, और A1 A2 भी दोनों सेम है कितनी A, तो बस K2 आ गया। K2 की वैल्यू कितनी देखी है 200, तो R1 आ गया R2 आ गया। अब मन में ध्यान रखना है कि जो थर्मल हीटिंग है थर्मल करंट है वो कैसे निकलती है, डेल्टा थीटा अपॉन आर से, ठीक। अब कितनी करंट होगी, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों ही रॉड क्या है सीरीज में है, दोनों रॉड सीरीज में है, तो दोनों रॉड सीरीज में है तो दोनों में जो करंट होगी आई वन और आई टू दोनों करंट क्या होंगी इक्वल होंगी, जितनी करंट फर्स्ट रॉड में होगी उतनी करंट क्या होगी सेकेंड रॉड में, क्योंकि दोनों किस में जुड़ी हुई है सीरीज में। तो अगर मैं बात करूं आई वन की, तो I1 तो ये है I1 इज इक्वल टू होनी चाहिए किसके I2 के, और I निकलेगी कैसे डेल्टा थीटा अपॉन R से। चलिए पहली रोड की बात करें, तो यहां जंक्शन था 100 डिग्री सेंटीग्रेड और मिडिल में कितना मान रखा मैंने थीटा, फिर यहां कितना था 0 डिग्री सेंटीग्रेड, देखो यही तो था यहां पे 100 और ये रोड थी, रोड का दूसरी रोड ये थी, इन दोनों के जंक्शन पे मैंने कितना मान लिया था थीटा, इधर 100 था और इधर कितना था 0, तो 100 और थीटा के बीच में करंट यानी कि फर्स्ट रोड के बीच में, तो कितनी हो गई 100 माइनस थीटा अपॉन आर वन इज इक्वल टू होगी आई टू, आई टू कितनी होगी थीटा माइनस 0 अपॉन आर टू, ठीक है। दोनों आई वन और आई टू को इक्वल रख दिया, बस सॉल्व करिए। अब तो आर वन की वैल्यू रख लीजिए जी, थीटा तो थीटा है मुझे निकालना है, ये जीरो था, तो R1 की वैल्यू कितनी है ये मैं ऊपर निकाल चुका हूँ L अपॉन 300 A, R2 की वैल्यू निकाल चुका हूँ L अपॉन 200 इंटू A, A से A कटा L से L कटा, और बस यहाँ से सोल्व करेंगे जीरो से जीरो, तो 2 पहुँच जाएगा ऊपर और ये 3 पहुँच जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 300 माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 थीटा, 3 थीटा इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 5 थीटा, 5 थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 5 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से कितना 300, तो 300 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ जाएगा 60 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जो मिडिल है वो कितना हो जाएगा 60 डिग्री सेंटीग्रेड। सोल्व कर लेंगे अब तो इसे, चलिए ठीक है। तो बस आपको क्या ध्यान रखना है, चलिए तो देखिए क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करा देता हूं। ये ने कहा कि एक रॉड ये थी, एक रॉड ये थी, इस जंक्शन का टेम्परेचर कितना था 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इस जंक्शन का टेम्परेचर कितना था 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इस बीच का जंक्शन का मुझे निकालना था, तो जितनी करंट यहाँ से आएगी उतनी करंट इसमें जाएगी क्योंकि ये सीरीज में है, तो इसकी करंट मान लीजिए I1 और इसकी करंट कितनी I2, तो I1 I2 इक्वल होनी चाहिए। ये करंट निकलेगी कैसे, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होता कौन है टेम्परेचर डिफरेंस, तो 100 माइनस थीटा मैंने इस जंक्शन का टेम्परेचर कितना मान लिया थीटा मान लिया, तो 100 माइनस थीटा अपॉन आर वन इजिकल टू होना चाहिए किसके थीटा माइनस 0 अपॉन आर टू, बस यही तो बात रखी है, आर वन और आर टू की वैल्यू रख देंगे सोल्व कर देंगे। तो आओ सब मिलकर इसको याद करें, वही बात फिर द्वारा से, ठीक है। याद बस बार बार यही बात याद रह जाए तो बस हो गया काम, क्या है आई इजिकल टू इसमें जो थर्मल हीट है, जो थर्मल हीट होगी वो कैसे, यानी कि जो थर्मल करंट होगी जो हीटिंग करंट होगी, तो हीटिंग करंट कैसा आएगी डेल्टा थीटा अपॉन आर से, यानी कि थीटा वन माइनस थीटा टू अपॉन आर से। और सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है हर एक रोड का रेजिस्टेंस निकालना है, सबसे पहला काम है ईच रॉड का रेजिस्टेंस निकालो, और वो कैसे निकलेगा किसी भी थर्मल कंडक्शन में, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा किसमें थर्मल कंडक्टर में, तो होगा आर इजिकल टू एल अपॉन के ए। और फिर क्या करना है, अगर वो सीरीज में है जो रोड है, अगर वो सीरीज में है तो आपको सबको पता है सीरीज में रेजिस्टेंस कैसे निकलता है आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर,
और अगर पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा वो भी आप सबको पता है, 1/R इक्विवेलेंट होगा 1/R1 + 1/R2। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लें। ये कह रहा है फाइंड आउट द फॉलोइंग पार्ट्स, क्या जी, इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंट थर्मल करंट निकालनी है, और तीसरा पॉइंट इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकालनी है, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। तो देखिए ये हमारे पास पार्ट दिया है, ये हॉट जंक्शन है, ये कोल्ड जंक्शन है, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, दो रॉड लगी हुई है बीच में, और इस रोड की लेंथ भी L है, उसकी रोड की भी लेंथ L है, और दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है A, और इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो 3K है, और इसकी कितनी है K है, मतलब K1 की वैल्यू है 3K और K2 की वैल्यू कितनी है K है। तो क्या क्या पूछ रहा है, एक तो पूछ रहा है इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस, इन दोनों का रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हमेशा क्या करना है, पहले तो हर एक रोड का क्या निकाल लो, रेजिस्टेंस निकाल लो। तो सबसे पहले हमेशा हर रोड का रेजिस्टेंस निकाल लो, तो R होता क्या है, L/K×A, तो R1 निकालना, तो R1 होगा L1 कितनी है L/K1 है कितना 3K×A1, A1 कितना है A, ऐसी R2 निकाल लो, R2 होगा L2/K2×A2, L2 भी L है और K2 कितना है K है और A2 कितना है A है, ठीक, दोनों रेजिस्टेंस आ गए। अब मुझे क्या निकालना है, इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस, तो इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा, दोनों रोड सीरीज में ही तो है, बिल्कुल रेजिस्टेंस मान सकते हैं इनको, जैसे एक रेजिस्टेंस ये लग रहा है और एक रेजिस्टेंस लग रहा है, तो दोनों किस में लग रहे हैं, सीरीज में, तो सीरीज में लग रहे हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 + R2, R1 की वैल्यू आपके पास है, R2 की वैल्यू आपके पास है, अब तो सॉल्व कर दोगे, 3KA क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा L और वहाँ कितना हो जाएगा 3L, सोल्व करेंगे कितना हो गया 4L/3K, ये तो हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। नेक्स्ट बात करें, वो क्या पूछ रहा है, थर्मल हीटिंग करंट, तो हीटिंग करंट कैसे निकलेगी, करंट कैसे निकलेगी, वो आएगी Δ θ/R, जैसे करंट होती है चेंज इन पोटेंशियल, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल अपॉन R, ऐसे यहाँ पे पोटेंशियल की जगह क्या होना है, चेंज इन टेम्परेचर अपॉन R, ठीक है। तो यहाँ पे जो हीटिंग करंट होगी, इक्विवेलेंट करंट, वो क्या होगी, Δ θ/R, ठीक, Δ θ क्या है, θ1 − θ2, और टोटल रेजिस्टेंस कितना, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने निकाला। चलिए अब θ1 − θ2 कितना होगा, यहाँ ही तो देखने हैं हमें, इस पूरे जंक्शन में इस कंडक्टर में करंट बतानी है, तो इस कंडक्टर में करंट क्या होगी, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, तो इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। पोटेंशियल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो किसका काम करेगा, पोटेंशियल का काम करेगा। तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो गया इस और इस पॉइंट के बीच में, तो करंट बतानी कितनी होगी, तो 100 − 0, तो कितना डिफरेंस आ गया 100/ टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकाल चुके हैं, ये रहा, तो बस आ गया जी। तो जो इक्विवेलेंट हीटिंग करंट होगी वो कितनी आएगी, Δ θ, वो कितना आ गया 100 − 0 और अपॉन R इक्विवेलेंट हम निकाल चुके हैं कितना 4L/3K, बस सॉल्व कर देंगे, क्लियर। अब तीसरा क्या है, वो कह रहा है इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकालनी, पहली रोड की कंडक्टिविटी कितनी है 3K और दूसरे की कितनी है K, तो K1 और K2 का इक्विवेलेंट निकालना है, तो कह रहा है कि इक्विवेलेंट निकालिए, K इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, तो K इक्विवेलेंट निकालना एक इंपॉर्टेंट बात है, ये थोड़ा सा औरों से अलग है, मगर इतना भी अलग नहीं, बहुत आसान सा है, देखिए जरा आप इसको, दिक्कत का सामना बस यही करेगा आपको, ठीक है, थोड़ी सी दिक्कत का सामना यही करेगा, मगर मैं आपको इतना आसान सा तरीका बता रहा हूँ, आसान है ही, तो इसलिए दिक्कत वाला शब्द हटा दो। देखिए हमें क्या है, R इक्विवेलेंट, मेरे पास R होता क्या है, R = होता है L/K×A, अगर मैं R इक्विवेलेंट लूँगा, अगर R इक्विवेलेंट ले रहा हूँ तो L भी इक्विवेलेंट वाली, के भी इक्विवेलेंट वाला और ए भी इक्विवेलेंट वाला, बस ये नया पॉइंट है इसमें, यही बात ध्यान रखना, इस ये बात ध्यान रहेगी तो बस ये दिक्कत भी खत्म। तो हमें R, जैसे R = होता है थर्मल रेजिस्टेंस, होता क्या है R = होगा L/KA, अगर मैं इक्विवेलेंट, मुझे ये इक्विवेलेंट निकालना है तो मैं यहाँ इक्विवेलेंट रखूंगा, तो ये इक्विवेलेंट रखूंगा तो ये भी इक्विवेलेंट, ये भी इक्विवेलेंट, ये भी इक्विवेलेंट। अब R इक्विवेलेंट तो मैंने ऊपर निकाल चुका हूँ, कितना वो आ गया था 4L/3KA = इक्विवेलेंट लेंथ क्या होगी, दोनों सीरीज में तो जुड़ी हैं, एक L लेंथ की रोड ये है और L लेंथ की रे है, तो कितनी टोटल लेंथ कितनी हो गई 2A। टोटल इक्विवेलेंट K मुझे निकालना है और टोटल इक्विवेलेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो ये पूरी रोड सीरीज में है, अगर पैरेलल में जुड़ती तो A इसका और A इसका क्या हो जाता 2A हो जाता, मगर ये सब सीरीज में जुड़ी हुई है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ देख लो A, यहाँ देख लो A, यहाँ देख लो A, तो इक्विवेलेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो A रहेगा। हाँ अगर वो पैरेलल में जुड़ती तो थिकनेस क्या हो जाती, थिकनेस डबल हो जाती, 2A हो जाती।
अब ये सीरीज में जुड़ी हैं तो थिकनेस वही रहेगी, यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या रहेगा, इक्विवेलेंट भी ए रहेगा। बस यहाँ से बात खत्म हो गई। अब तो ए से ए कट, एल से एल कट, क्या निकालना है हमें, के इक्विवेलेंट। तो के इक्विवेलेंट कितना आ गया, इस टू से ये फोर कट हो जाएगा, टू बार जो आ गया थ्री के बाई टू आ जाएगा, क्योंकि इसको ऊपर ले जाऊंगा तो उसको भी ऊपर, तो के इक्विवेलेंट आ गया थ्री के बाई टू। देखिए जी, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, फाइंड आउट द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन है, इस ये जंक्शन, इस जंक्शन का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, उस जंक्शन का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और बीच में तीन रॉड लगी हुई हैं, एल लेंथ एल लेंथ एल लेंथ, ठीक। इसका K1 है 2K, इसका K2 है कितना K, और K3 कितना है 3K। तो क्या पूछ रहा है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, यानी कि K का रिजल्टेंट पूछ रहा है, K इक्विवेलेंट पूछ रहा है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सबका सेम दे रखा है A। तो सबसे पहला काम क्या है भैया, L1 निकाल लो। देखिए जो K इक्विवेलेंट है वो कैसे निकलेगी, R इजिकल टू होगा, R का फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, R इजिकल टू होता है L अपॉन के ए। जब मुझे ये इक्विवेलेंट निकालना तो ये सब इक्विवेलेंट रखने पड़ेंगे, तो L इक्विवेलेंट चाहिएगी वो कितनी हो जाएगी, L L L 3L हो जाएगी। A इक्विवेलेंट चाहिएगा वो तो सबकी थिकनेस एक ही रही, तो वो कितने रहेगा, A रहेगा। R इक्विवेलेंट चाहिएगा, तो पहले जब R इक्विवेलेंट चाहिएगा K इक्विवेलेंट निकालने के लिए, तो R इक्विवेलेंट निकाल लो। R इक्विवेलेंट जब निकलेगा, जब पहले K1 K2 K3 निकाल लो, तो K1 कितना हो जाएगा जी, L1 K1 A1, L1 तो है L, K A1 है A, और K1 कितना है 2K, तो आ गया R1। R2 कैसे निकलेगा, L2 K2 A2, L2 भी L है और K2 भी K है और A2 भी A है, तो ये आ गया R2। R3 कैसा आएगा, L3 अपॉन K3 into A3, L3 कितना है L है और K3 कितना है 3K दे रखा, देखिए, और एरिया तो A है, तो R1 R2 R3 आ गया। अब ये है किसमें, सीरीज में, तो एक R इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, R इक्विवेलेंट आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। रेजिस्टेंस ही तो है, एक रेजिस्टेंस ही है, एक रेजिस्टेंस ही है, एक रेजिस्टेंस ही है, ठीक है। तो अगर तीन रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसा आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 की वैल्यू इतनी ये निकाल ली, R2 की वैल्यू ये रही, R3 की ये रही, इनका इक्विवेलेंट निकाल लो। इनमें क्या आ जाएगा, अगर एलसीएम लें तो कितना आ जाएगा, ये 2 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 3 है, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6, तो 6 के ए। तो यहाँ कितना बचेगा, 6 एलसीएम ले लिया तो यहाँ बचेगा 3, यहाँ आएगा 6 और यहाँ आएगा 2, 2 और 6 कितना 8, और 8 और 3 कितना आ गया 11, तो 11 एल अपॉन 6 के ए आ गया इक्विवेलेंट, ठीक। तो बस अब क्या निकालना, के इक्विवेलेंट निकालना, तो लगाइए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, रेजिस्टेंस इक्वल होगा लेंथ अपॉन के इंटू ए। इक्विवेलेंट निकालना तो हर एक वैल्यू इक्विवेलेंट रखिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकाल चुके 11 एल अपॉन 6 के ए, और इक्विवेलेंट लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ कितनी हो गई, एल 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 कितनी हो गई 3L, तो वो 3L आ गया। के इक्विवेलेंट मुझे निकालना, और ए इक्विवेलेंट तो सीरीज में है तो ए ही रहेगा, तो बस यहाँ से सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा, के इक्विवेलेंट, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, फाइंड आउट द फॉलोइंग पार्ट्स, क्या है जी, इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंट थर्मल करंट निकालनी है, और इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकालनी है। क्या क्या सिस्टम है, देखिए ये दो जंक्शन है, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो हीट यहाँ से इधर को फ्लो करेगी, और दो रॉड हैं, इसकी भी लेंथ L है और इसकी भी लेंथ L है, अब के ये पैरेलल में लगे हैं, और K1 कितना दे रखा है 3K, और एक का K2 कितना दे रखा है K। तो पहली बात तो इसका रेजिस्टेंस निकाल लो, इसका रेजिस्टेंस निकाल लो, दोनों किस में है, पैरेलल में है, तो पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो R1 निकालिए, R1 होगा L1 अपॉन K1 into A, L1 तो है L, K1 कितना है 3K और A कितना है A, दोनों का एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का कितना है A, इसका भी A, इसका भी A, देखो दे रखा सेम। R2 निकालेंगे तो लेंथ कितनी है L, K कितना है K और A कितना है A, ठीक है, ये R2 आ गया। दोनों किस में है आपके, पैरेलल में, एक रेजिस्टेंस ये लग रहा है, एक रेजिस्टेंस ये लग रहा है, तो दोनों किस में लग रहे हैं, पैरेलल में। तो पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसका आएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 रख देंगे हम। या दो दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में हो तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसा आ जाता है, 2 R1 अपॉन R2 अपॉन R1 प्लस R2, उससे भी आप निकाल सकते हैं, यानी कि दोनों की मल्टीप्लाई R1 into R2 अपॉन R1 प्लस R2, मगर वो डिफिकल्ट पड़ जाएगा, यही आसान रहेगा यहाँ, ठीक है। चलिए इस वैल्यू को ऊपर पहुँचा दो, कितना हो जाएगा 3 के ए अपॉन एल, ये ऊपर पहुँच जाएगा के ए अपॉन एल, इसका ऐड कर लेंगे। तो देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे, ये कितना हो गया 3 के ए अपॉन एल और ये 1 के ए अपॉन एल, तो ये कितना हो गया 3 और 1 कितना हो गया 4, तो 4 के ए अपॉन एल, ये हो गया 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट निकालना, तो इसको रिवर्स करोगे तो उसको भी रिवर्स कर देना, तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा एल अपॉन 4 के ए। अब हमें क्या निकालना है जी, थर्मल करंट। तो थर्मल करंट कैसे आएगी, जो हीटिंग करंट है, तो हीटिंग करंट किससे आएगी, डेल्टा थीटा अपॉन R1, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस किससे निकलेगा, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर से,
फाइनल इनिशियल जंक्शन और फाइनल जंक्शन के बीच का टेम्परेचर इसका था 100 इनिशियल वाले का, फाइनल का कितना था 0, तो उनके बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया 100 माइनस 0, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ से सॉल्व हो गया जी, कितना हो जाएगा 400 KA/L, ये आ गई हीटिंग करंट। अब पूछ रहा है दिक्कत वाला पार्ट आ गया, कौन सा जी, के वाला, तो क्या है के इक्विवेलेंट निकालना, तो क्या करेंगे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे किसके लिए, इक्विवेलेंट के लिए, तो आर इक्विवेलेंट तो मैं निकाल चुका हूँ कितना L/4K, एल लेंथ इक्विवेलेंट लेंथ क्या होगी आपके एल और एल पैरेलल में है तो आपके नहीं जुड़ेगी लेंथ, आपके लेंथ तो एल ही रहेगी, मगर आपके एरिया क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, देखिए एक रोड तो ये है और एक रोड ये है, तो दोनों को जुड़ेंगे तो एरिया ऑफ रेक्सेशन ए और ए कितना हो जाएगा 2A हो जाएगा, लेंथ वही रहेगी एल, तो आपके इक्विवेलेंट लेंथ तो एल रहेगी मगर एरिया ऑफ रेक्सेशन कितना हो जाएगा वो डबल हो जाएगा, बस काम खत्म हो गया। अब तो ए से ए कट, 2 से ये कट हो जाएगा 2 बार, L से L कट, तो K इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 2K, क्लियर होगी बात। चलिए जी नेक्स्ट, यहाँ देखिए ये कह रहा है कैलकुलेट द थर्मल करंट, कैलकुलेट द थर्मल करंट, थर्मल करंट या हीटिंग करंट एक ही बात है, इन द फॉलोइंग सर्किट इफ द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन A इज कितना है θ1°C एंड टेम्परेचर ऑफ जंक्शन B इज θ2°C। देखिए ये हमें पार्ट दे रखा है, एक रॉड ये है, इसने कहा है यहाँ से एक जंक्शन तो ए है एक जंक्शन बी है, इसका टेम्परेचर कितना है θ1, उसका कितना है θ2, और ये एक स्क्वायरिंग फॉर्म में ये रॉड लगी हुई है, चार रॉड लगी हैं, इसकी भी लेंथ एल, इसकी भी लेंथ एल, और ये भी लेंथ एल, ये भी लेंथ एल, ठीक। ये यहाँ कोई रॉड नहीं है, ये डायरेक्ट बी पॉइंट यही है समझ लो, ये जो बी पॉइंट है डायरेक्ट ये है, ये रॉड नहीं था, कोई इसकी लेंथ नहीं बताई उसने, ये बी पॉइंट कहाँ है यहाँ, ये ए पॉइंट कहाँ है, ये जंक्शन ये है, ऐसे समझो आप, ये जंक्शन जो ये है वो यहां दिखा दिए, ये ऐसे है यहां, मतलब ये रोड है, ये रोड है, ये रोड है, ये रोड है, तो ये अगर ये एल रोड, जैसी रोड ये है वैसी रोड ये है, जैसी रोड ये है वैसी ये है, जितनी लेंथ इसकी उतनी लेंथ इसकी, जो मटेरियल इसका है वही मटेरियल इसका, तो जो थर्मल कंडक्टिविटी इसकी होगी वो इसकी होगी, कहने का मतलब अगर इसका रेजिस्टेंस आर है तो इसका भी आर होगा, इसका भी आर होगा, इसका भी आर होगा, तो थोड़ी देर के लिए ना रेजिस्टेंस मान सकता हूं कि नहीं, इसकी इसकी जगह एक रेजिस्टेंस लगा दिया, 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 अब तो ये ऐसा पॉइंट हो गया, अब तो सीधा सा क्वेश्चन बन गया कि दो पॉइंट है ए और बी, इसका पोटेंशियल कितना है θ1, उसका पोटेंशियल कितना है θ2, और इनके बीच में रेजिस्टेंस है, तो बताइए इनमें करंट कितनी फ्लो कर रही होगी, तो करंट किससे आएगी, क्या होगा, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसा आएगा, ये दोनों किस में दिखाई दे रहे हैं आपको, सीरीज में, तो आर आर का सीरीज कितना हो जाएगा 2R, ये किस में दिखाई दे रहे हैं सीरीज में, आर आर का सीरीज कितना दिखाई देगा 2R, और 2R फिर किस में दिखाई देंगे पैरेलल में, तो फिर कितना हो जाएगा R, देखिए आर आर के दो रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 2R, और 2R के दो रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े तो क्या हो जाएगा बाई 2, यानी कि R बाई 2 कितना हो जाएगा R, तो फाइनल रेजिस्टेंस कितना निकल कर आ रहा है R, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना निकल कर आ रहा है θ1 - θ2 अपॉन क्या हो जाएगा R हो जाएगा। R तुम्हें पता हो कैसे निकलेगा, R किसी भी रोड का कैसे निकलेगा, R इक्वल टू होगा L/K × A, A है एरिया, तो समझ में आ गई बात, दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में थे आर आर के, उनका सीरीज में जोड़ के कितना आ गया था 2R, ऐसे ये दो रेजिस्टेंस सीरीज में थे तो उनका कितना आ गया था 2R, अब ये 2R किस में है पैरेलल में, तो 2R का पैरेलल कितना हो जाएगा R, अब बस ये फाइनल सिचुएशन हो गई कि हमारे पास एक ये वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना R और जिसके पोटेंशियल डिफरेंस कितना है θ1 - θ2, तो थर्मल करंट कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा θ1 - θ2 अपॉन रेजिस्टेंस कितना होगा R, बात खत्म हो गई, ठीक है। R की वैल्यू पूछने लगे तो R की वैल्यू होगी कितनी, R इक्वल होगा L/K × A। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट थर्मल करंट इन द फॉलोइंग सर्किट, इस पूरे सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है, दो जंक्शन दे रखे हैं एक A और एक B, इस जंक्शन का टेम्परेचर है कितना θ1°C, इसका कितना है θ2, और ये चार रॉड हैं एल एल लेंथ की, तो चार रोड का मतलब चार रेजिस्टेंस हो गए, ये पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट तो जस्ट यहाँ ही है बस, ये रोड नहीं है, ठीक है। चलिए तो एक आर रेजिस्टेंस ये, एक आर ये, एक आर ये, एक आर ये, दो चारों का रेजिस्टेंस सेम आर आर क्यों होगा, क्योंकि सबकी लेंथ भी सेम है और के भी क्या है सेम है जब, और एरिया क्रॉस सेक्शन भी क्या होगा सेम, जब कुछ नहीं दे रखा तो सब कुछ सेम होगा, तो आर 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 और आर ये दो पॉइंट है, इन दो पॉइंटों के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना आपको, ठीक है। कैसे निकलेगा जी, तो ये आर आर ये तीनों तो किस में हो गए सीरीज में, तो आर 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 के तीन सीरीज में हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 3R, तो देखो ये कितना बन गया, इन तीनों का तो बन जाएगा कितना 3R, और एक ये बचेगा R, अब ये 3R और R किस में है पैरेलल में,
तो दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो इनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या तो आप निकाल लो वन अपॉन इक्विवेलेंट करके वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू, उसे सोल्व करके निकालेंगे कितना आ जाएगा थ्री अपॉन आर। या एक और तरीका है, जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, आर वन इंटू आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, ये डायरेक्ट आ जाता है किसका रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल। आर वन तो कितना है थ्री आर, आर टू कितना है बेटा आर, अपॉन दोनों का सम, दोनों का सम कितना आ जाएगा फोर आर। तो देखो डायरेक्ट आ गया एक आर से आर कट जाएगा, कितना हो गया थ्री आर अपॉन फोर, तो वही निकल कर आ रहा है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया थ्री आर अपॉन फोर। अब मुझे करंट निकालनी है, तो करंट कैसे आएगी टोटल, तो ये कितना आ गया इन दोनों का इक्विवेलेंट आ गया ये, तो अब ये सर्किट बन गया बस, कि दो पॉइंट हैं जिनका टेम्परेचर कितना है थीटा वन और थीटा टू और रेजिस्टेंस कितना है थ्री आर बाई फोर, तो इनका करंट कितनी कितनी करंट फ्लो कर रही होगी, तो इसमें जो थर्मल करंट होगी पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस किससे निकल के आएगा टेम्परेचर डिफरेंस से, तो थीटा वन माइनस थीटा टू अपॉन क्या हो जाएगा आर, और आर की वैल्यू है कितनी थ्री आर, कौन सा ये इक्विवेलेंट, तो आर की वैल्यू है कितनी थ्री आर बाई फोर आंसर। तो देखिए दो बातें क्लियर हो गई, जब भी हमें क्या है इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकालनी, तो अगर रॉड क्या है सीरीज में जुड़ी हुई है तो लेंथ जुड़ जाएगी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहेगा, और अगर जब पैरेलल में जुड़ी हुई है तो लेंथ सेम रहेगी एरिया क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ इसका टॉपिक नहीं है, किरचॉफ्स लॉ करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है, जो 11th क्लास के बच्चे हैं वो अभी उन्हें अभी थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है इसमें, क्योंकि 12th में पढ़ाया जाएगा और जिन्होंने 12th के एग्जाम दे दिए उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाएगा उनकी भी समझ में। देखिए सबकी ये कह रहा है किरचॉफ्स लॉ होता क्या है, किरचॉफ्स के दो लॉ हैं, एक यहाँ पे कौन सा लॉ पढ़ रहे हैं किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है किरचॉफ्स जंक्शन लॉ या किरचॉफ्स करंट लॉ। अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स लॉ द एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जहां या वहां पे इलेक्ट्रिक करंट था तो यहां पे कौन सी करंट लेके चलेंगे थर्मल करंट, एट द पर्टिकुलर नोड, नोड कहते हैं या जंक्शन कहते हैं, इज ऑलवेज जीरो, ठीक है दैट इज या इनकमिंग करंट इज ऑलवेज इक्वल टू द आउटगोइंग करंट। क्या है ये किरचॉफ्स करंट लो, कि किसी भी पॉइंट पे किसी भी जंक्शन पे टोटल करंट का सम क्या रहेगा जीरो रहेगा, या कह सकते हैं किसी भी पॉइंट पे इनकमिंग करंट का सम इक्वल होता है आउटगोइंग करंट का सम। जैसे ये हमारे पास कोई पॉइंट है, कोई नॉट पॉइंट है, कोई जंक्शन पॉइंट है, इस पे ये यहाँ से इस वायर से करंट आई आई वन, इससे करंट आई आई टू, इससे करंट आई आई थ्री और इसमें करंट निकल गई आई फोर, तो इनकमिंग करंट का सम इक्वल होगा आउटगोइंग के, तो आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री इक्वल होगा किसके आई फोर के। या जैसे ये जंक्शन है, यहाँ से करंट I1 आई, यहाँ से I2 आई, यहाँ से I3 आई और यहाँ से क्या आई I4, तो इस पर नेट करंट सम क्या रहेगा जीरो रहेगा, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू क्या रहेगा जीरो, क्योंकि सब इनकमिंग है आउटगोइंग कोई भी नहीं है। चलिए देखें इसी कॉन्सेप्ट को लगाएंगे अब इसमें, ये कह रहा है थ्री आइडेंटिकल रोड्स आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, ठीक देन कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन। ये कह रहा है हमारे पास तीन आइडेंटिकल बिल्कुल रॉड हैं, इनके एक एक एंड तीनों का यहाँ पास में मीट है, ठीक है ये जंक्शन पॉइंट हो गया P, इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड इस एंड का, इसका कितना 90 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका भी 90 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कह रहा है इस P पॉइंट का टेम्परेचर बताओ, तो P का टेम्परेचर बताना है, ठीक है तो तीन आइडेंटिकल रोड हैं, तो जितना रेजिस्टेंस इसका होगा उतना रेजिस्टेंस इसका होगा उतना रेजिस्टेंस इसका होगा, तो इसे थोड़ी देर के लिए हम ऐसे मान लें कि इसको रेजिस्टेंस में एक रेजिस्टेंस ये हो गया, एक रेजिस्टेंस ये और एक रेजिस्टेंस ये, अगर इसका आर है तो इसका भी आर, तो तीन आर आर रेजिस्टेंस के तीन रेजिस्टेंस हो गए। मान लीजिए यहाँ से करंट आ रही है आई वन, यहाँ से करंट आई आई टू और यहाँ से करंट आई कितनी आई थ्री, तो इन तीनों करंटों का सम क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए इस पी पॉइंट पे, ठीक है। चलिए इसका टेम्परेचर जीरो डिग्री सेंटीग्रेड था, उसका 90, इसका भी 90, इसका मैं मान लेता हूँ टी जो मुझे निकालना है, तो करंट का फॉर्मूला होगा कितना, करंट का फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा वी अपॉन आर, और इस केस में थर्मल के केस में डेल्टा वी निकलता कैसे है डेल्टा टेम्परेचर से, टेम्परेचर डिफरेंस से, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक करंट में वही टेम्परेचर डिफरेंस होता है किसमें थर्मल करंट में, तो आई इक्वल टू होगा डेल्टा थीटा अपॉन आर, मतलब चेंज इन टेम्परेचर अपॉन आर। तो देखिए तो इस जंक्शन की बात करें तो आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री का सम क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए, आई वन होगी किससे देखिए क्या होगी, इसका पोटेंशियल कितना जीरो और इसका पोटेंशियल कितना टी, तो जीरो माइनस टी, करंट इधर से इधर को फ्लो करी ना मैंने, तो हाई पोटेंशियल करंट हमेशा कहाँ जाती है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, तो इसलिए आप क्या करेंगे हाई माइनस लो करेंगे,
ठीक है, कुछ भी हो ये, इससे हमें नहीं, जिस जो हमने डायरेक्शन फ्लो करी है करंट की, करंट की डायरेक्शन हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होगी, या कह सकते हैं थर्मल करंट की डायरेक्शन हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर होगी। तो हमने तो ये फ्लो कर दिया, अपने आप आ जाएगा आंसर। तो आपको करना 0 - T/R, I2 क्या होगी 90 - T/R, और I3 क्या होगी 90 - T/R। तो I1 + I2 + I3 पी पॉइंट पे जंक्शन क्या होना है, जीरो होना है। I1 को क्या लिखूंगा 0 - T/R, I2 क्या हो जाएगी 90 - T/R, और I3 क्या हो जाएगी 90 - T/R। तीनों का सम इजिकल टू जीरो कर दो, R कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा, या के लिए कॉमन लेके धरा कर क्या हो जाएगा जीरो। तो यहाँ से कितना बचेगा इसे सोल्व करेंगे, तो ये कितना हो गया 180, और माइनस का टी कितना हो गया -3T। तो यहाँ से टी इजिकल टू आ गया 180, तो टी इजिकल टू कितना आ गया 60°C। तो इस पी पॉइंट का जो कॉमन टेम्परेचर है वो कितना हो जाएगा 60°C। देखिए, टू आइडेंटिकल रोड्स आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, देन कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ जंक्शन सी। दो रोड हैं, एक तो ये ए बी रोड हो गई और एक ये हो गई सी डी रोड, ठीक है। दोनों रोड की लेंथ सेम, एरिया ऑफ क्रॉसेक्शन सेम, सब कुछ सेम है, क्योंकि कुछ नहीं दिया तो सब आइडेंटिकल, उसने बोल दिया आइडेंटिकल रोड्स हैं। चलिए, इस पॉइंट का टेम्परेचर है 100°C, इसका कितना 0°C, और इसका पॉइंट का टेम्परेचर देखा 25°C। तो इस सी पॉइंट का पूछ रहा है, ये पूरी एक रॉड है, तो इसका रेजिस्टेंस, अगर इसका रेजिस्टेंस कितना होगा R, तो इसका भी कितना होगा R। अब इसका मिडिल देखूं तो RY2 इधर और RY2 इधर, तो इसको अगर मैं दो रेजिस्टेंस में ब्रेक कर लूं, ऐसे ये पॉइंट ले लूं, तो RY2 इधर, क्योंकि LY2 लेंथ इधर, LY2 इधर और L इधर, तो ये पूरी टोटल L थी, तो इधर कितना रेजिस्टेंस, पूरे का रेजिस्टेंस कितना था R, तो अगर दो पार्ट करूंगा तो RY2 इसका, RY2 इसका, तो एक रेजिस्टेंस तो ये हो गया RY2, एक रेजिस्टेंस ये हो गया RY2, और एक ये रेजिस्टेंस हो गया पूरा कितना R। इस पॉइंट का टेम्परेचर 100°C, इसका जीरो, इसका कितना 25, इसका मैं मान लेता हूँ टी। अब यहाँ से एक करंट फ्लो कर दी I1, एक यहाँ से फ्लो कर दी I2, एक यहाँ से फ्लो कर दी I3। तो एक बार I1, I2, I3, इन तीनों का सम क्या होना चाहिए जीरो। तो I1 + I2 + I3 का सम क्या होना चाहिए जीरो। I1 किससे आएगी 100 - T/R/2, I2 किससे आएगी 25 - T/R, और I3 किससे आएगी 0 - T, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल लेना है, ठीक है। आपने जो भी डायरेक्शन फ्लो करी, हमने डायरेक्शन कैसी करंट फ्लो करी कि तीनों की डायरेक्शन कहाँ पहुँच जाए, जंक्शन पर पहुँच जाए, तो तीनों का नेट सम क्या हो जाएगा जीरो। तो ये कितनी हो जाएगी 0 - T/R/2। तो बस इस पी पॉइंट पर नेट जंक्शन या सी पॉइंट पर जो नेट करंट का सम है वो क्या होगा जीरो होगा। तो I1 + I2 + I3 = 0, I1 मुझे पता है कितनी निकालनी 100 - T/R/2, वो R2 पता कितनी 25 - T/R, और ये R3 पता कितनी 0 - T/R/2। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा टेम्परेचर 25°C। नेक्स्ट देखिए, फोर आइडेंटिकल रोड्स आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, देन कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन सी। सी जंक्शन का टेम्परेचर बताना ये है जी। चार रोड है, देखिए 1, 2, 3 और एक ये है, 1, 2, 3 और एक ये है, इसकी ज्वाइनिंग, ये ज्वाइनिंग यानी कि इसकी मिड पॉइंट और इसकी ज्वाइनिंग पर ये पॉइंट है सी। इसका टेम्परेचर T1, इसका T2, इसका T3, तो इस सी पॉइंट का पूछ रहा है, क्लियर। अगर इसका रेजिस्टेंस, इसकी देखिए आइडेंटिकल है, तो इसका रेजिस्टेंस R, तो इसका भी R, इस पूरे का भी क्या होगा R, और इस सी पॉइंट से इधर का देखूँ तो RY2 और इधर देखूँ तो RY2, तो ऐसा हो गया R रेजिस्टेंस ये, RY2 यहाँ तक का, R ये और RY2 यहाँ तक का, ठीक है जी। हमें इस सी पॉइंट पे तो निकालना है, तो इन दोनों को जोड़ सकता हूँ, दोनों सीरीज में हो गए, तो R और RY2 सीरीज में हो गया, ऐसे इधर R और RY2 किस में हो गया सीरीज में, तो R और RY2 सीरीज में कितना हो जाएगा 3RY2, ये R और RY2 सीरीज में जुड़ के कितना हो जाएगा 3RY2। अब ये बस तीन रेजिस्टेंस बच गए, एक ये और एक ये, 3RY2 और R। इसका टेम्परेचर T1, इसका T2, इसका T3, इसका मैं मान लेता हूँ T। यहाँ से करंट आई I1, यहाँ से करंट आई I2, और यहाँ से करंट फ्लो कर दो I3, इन तीनों करंट का सम क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए। तो I1 + I2 + I3 = क्या होना चाहिए जीरो। I1 क्या होगी इसमें तो है ये, तो T1 - T/3RY2, I2 कितनी होगी T2 - T/R, और I3 कितनी होगी, I3 होगी T3 - T/3RY2, इन तीनों का सम क्या कर लेंगे जीरो। यहाँ से सोल्व करेंगे तो यहाँ से जो टेम्परेचर आ रहा है 1/7 2T1 + 3T2 + 2T3, क्लियर। देखिएगा, ये प्रॉब्लम भी जेई में आया हुआ है, ये कह रहा है ए मेटल ए बी ऑफ लेंथ 10x एज इट 1 एंड A इज आइस एट 0°C, एंड द अदर एंड बी
ऑफ द वाटर एट कितना जी 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ ए पॉइंट पी ऑन द रॉड इज मेंटेन्ड एट कितना 400 डिग्री सेंटीग्रेड, देयर इट्स इज फाउंड दैट इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर एंड आइस इवेपोरेट एंड मेल्ट पर यूनिट टाइम। इफ द पॉइंट पी इज एट द डिस्टेंस ऑफ लैम्डा एक्स फ्रॉम द आइस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। क्वेश्चन समझाते हैं, इधर एक कंटेनर में तो आइस है किस पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इधर एक कंटेनर में क्या है वाटर है किस पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इस पे एक ये मेटल रॉड है ए बी, ठीक, ये ए बी, इस ए बी का ए पॉइंट तो आइस से कॉन्टेक्ट में है और बी पॉइंट वाटर से कॉन्टेक्ट में है, ठीक, और इस रोड का एक पॉइंट है पी, जिस पी पॉइंट का टेम्परेचर कितना मेंटेन है 400 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये जो पी पॉइंट है ये आइस वाले एंड से कितनी दूरी पे है लैम्डा एक्स पे, ठीक, और टोटल इसकी लेंथ कितनी है 10x। तो ये कह रहा है ये लैम्डा बताइए, ठीक, कब, जब ये कह रहा है कि जितनी ये क्या करता है इसको आइस, जितनी आइस को मेल्ट करता है एक सेकेंड में उतने ही क्या करता है, एक सेकंड में उतने ही वाटर को क्या करता है इवेपोरेट करता है, यानी कि आइस को मेल्ट करेगा और इसको क्या करेगा इवेपोरेट करेगा। देखो उसने कहा है इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर एंड आइस इवेपोरेट्स एंड मेल्ट पर यूनिट टाइम, यानी कि एक सेकंड में या गिवन टाइम में, इट इज द पॉइंट पी। तो देख ये कह रहा है जितनी, यानी कि जिस रेट से क्या कर रहा है, जिस रेट से आइस को मेल्ट कर रहा है उसी रेट से वाटर को क्या कर रहा है इवेपोरेट कर रहा है, ये कंडीशन उसने दे रखी है। चलिए तो हीट ट्रांसफर हो रही होगी क्योंकि इसका टेम्परेचर, इस पी पॉइंट का टेम्परेचर ज्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है, इसका भी टेम्परेचर कम है, तो हीट इधर को भी जा रही होगी और इधर को भी जा रही होगी। हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से कहाँ जाएगी लो टेम्परेचर पे, तो इधर भी टेम्परेचर लो है और इधर भी लो है, तो इधर को भी भागेगी हीट और इधर को भी, जो इधर हीट आएगी वो इसको क्या करेगी मेल्ट करेगी, और मेल्ट करने का मतलब कौन सा होगी लेटेंट हीट लगेगी, यहाँ इसे क्या करेगी इवेपोरेट करेगी, इवेपोरेट करेगी। तो यहाँ देखिए, चलिए खैर, तो अगर हम बात करें तो जो हीट ट्रांसफर होगी तो हीट फ्लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होता है वो होगा के ए डेल्टा थीटा अपॉन एल, ठीक। चलिए तो यहाँ से अगर हीट निकालूँ क्यू तो टी इधर आ जाएगा, तो हो गया के ए डेल्टा थीटा माइनस डेल्टा थीटा अपॉन एल इंटू टी, मतलब के ए डेल्टा थीटा अपॉन एल इंटू टी, डेल्टा थीटा को लिख सकते हैं थीटा वन माइनस थीटा टू। चलिए जी, अब ये क्या कह रहा है ध्यान दीजिए, इधर एक हीट गई तो हीट के फ्लो करने का जो हीट आएगी, जो हीट का रेट है वो ये है, या जो हीट आएगी वो ये है। तो देखिए हीट का फॉर्मूला हो कितना गया, जो हीट फ्लो करेगी वो कितनी हो गई के ए डेल्टा थीटा अपॉन एल इंटू टी हो गई। तो रखिए पहले मैं आइस के लिए लेता, तो आइस के लिए क्या होगा के ए, ये हो गया थीटा वन और ये हो गया थीटा टू, तो थीटा वन तो इसके लिए आइस वाले के कितना है 400 माइनस जीरो, तो के ए 400 माइनस जीरो इंटू टी अपॉन लैम्डा टी, वो इज इक्वल टू क्या होगा m इंटू, मान लीजिए कितनी इसने क्या करा m मास के आइस को मेल्ट कर दिया, तो माइस यानी कि ये जो हीट है ये हीट क्या करेगी आइस को मेल्ट करेगी, कितनी आइस को मेल्ट कर देगी, मान लेते हैं m मास की आइस को इनने हीट लेट क्या कर दिया मेल्ट कर दिया, तो कितनी एनर्जी m मास की आइस को मेल्ट करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी m इंटू l, l क्या है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर वेरी नहीं करेगा, मेल्ट होते समय तो सिर्फ क्या होगी आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड से वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट होगी, तो यहां पे फेज ट्रांजिशन होगा सिर्फ, तो इसलिए क्या लग गया ml। क्लियर हो गई बात, दूसरे कहानी अब किसके लिए लगा रहे हैं वाटर के लिए, तो वाटर के लिए क्या होगा के ए, इसके लिए क्या होगा टेम्परेचर डिफरेंस 400 माइनस 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है 400 माइनस 100 डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन l, l इसके लिए कितनी थी लैम्डा x और उसके लिए कितनी बचेगी 10x माइनस लैम्डा x, क्योंकि टोटल लेंथ कितनी थी ये 10x, तो अगर ये लैम्डा एक्स दे रखी तो कितनी हो गई 10x माइनस लैम्डा एक्स इज इक्वल टू क्या होगा ml, क्योंकि वाटर भी इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर से क्या होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम में बदलेगा, यानी कि सिर्फ फेज ट्रांजिशन होगा, तो फेज ट्रांजिशन के केस में इसमें भी क्या लगेगा m इंटू l, m क्या होगा जितनी उनने कहा है कि सेम अमाउंट मेल्ट होता है, जितना आइस का मेल्ट अमाउंट होगा अमाउंट, जितना आइस का अमाउंट मेल्ट होगा उतना ही क्या है वाटर का अमाउंट क्या होगा इवेपोरेट होगा, तो अगर इसका m मास आइस मेल्ट हुई है तो m मास वाटर क्या होगा इवेपोरेट, तो वहां पे भी क्या फॉर्मूला लगेगा ml, बस l कौन सी होगी ये हीट ऑफ वेपराइजेशन किसके लिए वाटर के लिए, और वहां हीट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन थी किसके लिए आइस के लिए। सोल्व करा दोनों को, डिवाइड कर दिया दोनों इक्वेशन को, m से m कटेगा t से t जाएगा क्योंकि दोनों का टाइम भी सेम दे रखा है, ठीक है, और k से k, a से a, यहां से x कॉमन होके x भी कट जाएगा,
तो यहाँ कितना बचा जी, यहाँ ऊपर यहाँ बचा 400 अपॉन लेमडा, यहाँ से कितना बचेगा जी 300 अपॉन कितना बचेगा ये 10 माइनस लेमडा और इजिकल टू ये होगा एल एफ अपॉन एल वी, बस इनकी वैल्यू रख लेंगे। ये कितनी होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आइस के लिए कितनी 80 और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितनी होगी 540, भाई इनकी वैल्यू रखेंगे। यहाँ से क्या नोन है, सिर्फ लेमडा नोन है, लेमडा सोल्व इसे सोल्व कर देंगे, लेमडा आ जाएगा कितना 9। नेक्स्ट देखिए अब बीज स्टोन ब्रिज आप समझ गए हैं, 11th 12th क्लास का टॉपिक है ये, 12th क्लास में इसको डिटेल में पढ़ाएंगे। अगर 11th क्लास का कोई बच्चा इसको पढ़ रहा है इस समय तो वो आप ज़्यादा ना घबराए इससे, ठीक है, 12th क्लास में पूरी डिटेल में बताएंगे क्या होता है। इस टाइप का एक अरेंजमेंट होगा, ठीक है, ये चारों स्क्वायर का एक अरेंजमेंट और इसके डायगनल पे एक ये क्या होता है एक रेजिस्टेंस होता है। इस अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट का टेम्परेचर अगर क्या हो जाए सेम तो इनके बीच में हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगी जीरो, जब हीट ट्रांसफर जीरो होगी तो करंट ट्रांसफर क्या हो जाएगी जीरो, यानी कि जो थर्मल हीट है वो क्या होगी फ्लो नहीं करेगी, यानी कि थर्मल करंट क्या हो जाएगी जीरो। तो यही बी स्टोन ब्रिज था कि अगर इन दो पॉइंट करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या था, अगर इन दो पॉइंटों का वोल्टेज इन दोनों पॉइंटों का पोटेंशियल क्या है सेम है, या कह सकते हैं इस और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो करंट फ्लो क्या होगी जीरो, और जब इस रेजिस्टेंस में करंट फ्लो जीरो है तो ये वेट लेस है, यानी कि ये बेकार का है, इसे हटा दीजिए बस, इसको क्या कर देते हैं रिमूव। अब ये कैसे पता चलेगा कि इनके पोटेंशियल यहाँ सेम होंगे, यानी कि बैलेंस बी स्टोन ब्रिज होगा, जब भी बैलेंस बी स्टोन ब्रिज होता है तो ये बीच वाली टर्म्स क्या कर देते हैं हटा देते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि बैलेंस बी स्टोन ब्रिज है, तो उसके लिए एक तरीका होता है कि आर वन अपॉन आर टू का जो रेशो है वो इक्वल होना चाहिए आर थ्री अपॉन आर फोर के, तो इनका रेशो अगर क्या होगा इक्वल होगा तो इसका मतलब ये बैलेंस बी स्टोन ब्रिज है, और बैलेंस बी स्टोन ब्रिज है तो बीच वाले रेजिस्टेंस में करंट नहीं होगी, तो इसे क्या कर सकते हैं आप हटा सकते हैं, या कह सकते हैं इन दो पॉइंटों का पोटेंशियल क्या होगा सेम, या इन दोनों पॉइंटों का टेम्परेचर क्या होगा सेम, ठीक है। या तो आप क्या करें, आप देखिए इनकी क्या कर दो रेशो आर वन अपॉन आर टू इजिकल टू कर दो आर थ्री अपॉन आर फोर। मैं रेशो नहीं निकालता क्योंकि रेशो मुश्किल होता है एज कंपेयर टू मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन आसान होती है, तो आमने सामने की मल्टीप्लिकेशन मैं करके देखता हूँ कि आर वन इंटू आर फोर इक्वल होना चाहिए आर टू इंटू आर थ्री, अगर दोनों की मल्टीप्लिकेशन सेम है तो ये बैलेंस बी स्टोन ब्रिज है। देखिए ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ये उधर, तो आर वन इंटू आर फोर इक्वल होना चाहिए आर टू इंटू आर थ्री, तो अगर मल्टीप्लिकेशन आमने सामने की मल्टीप्लिकेशन अगर सेम है तो बैलेंस बी स्टोन ब्रिज है, तो इस केस में क्या कर देंगे हटा दो किसको आर फाइव को, क्योंकि वो डमी एलिमेंट है, डमी एलिमेंट मतलब उसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रही। देखिए कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन द फॉलोइंग फिगर, ये हमारे पास सिर्फ फिगर है, इसका रेजिस्टेंस आर, इसका आर, इसका टू आर, इसका टू आर और एक ये थ्री आर, और ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये देखिए ये बी स्टोन ब्रिज तो बन रहा है, मगर चेक करिए कि बैलेंस बी स्टोन ब्रिज है कि नहीं, मतलब ये बीच वाला रेजिस्टेंस काम का है कि नहीं, तो इनके आमने सामने की मैं तो मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, मल्टीप्लिकेशन अगर आप इनकी करेंगे तो कितना होगा टू आर स्क्वायर, और यहाँ भी देखिए कितना हो जाएगा ये टू आर स्क्वायर, तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन सेम आ रही, तो इसका मतलब ये बैलेंस बी स्टोन ब्रिज है। या आप रेशो निकाल लो, देखो आर अपॉन टू आर तो कितना होगा वन अपॉन टू, यहाँ आर अपॉन टू आर तो यहाँ भी रेशो कितना होगा वन अपॉन टू, जब रेशो सेम आ रहा है तो ये बैलेंस बी स्टोन ब्रिज है, तो इसको हटा दो, इसको हटा दोगे तो इसको हटाते ही ये फॉर्म बन जाएगी, ये दोनों अब सीरीज में हो गए टू आर आर के सीरीज में कितना हो गया टू आर, और ये टू आर के दो सीरीज में हो गए कितना हो गया फोर आर, अब टू आर और फोर आर किस में हो गया पैरेलल में, तो इन दोनों का पैरेलल निकाल दो, तो क्या होगा दोनों की मल्टीप्लाई, देखिए क्या करते हैं दोनों की मल्टीप्लाई, यानी कि टू आर इंटू टू आर अपॉन टू आर इंटू फोर आर इंटू अपॉन दोनों का सम, दोनों का सम कितना हो जाएगा सिक्स आर, तो एक आर से आर जाएगा, और ये कितना हो गया देखिए एट अपॉन सिक्स, और जब 8 अपॉन 6 है तो इसे लिख सकते हैं 4, 2 से डिवाइड कर दो तो 4 अपॉन 3 आर बचेगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा पैरेलल में 4 आर अपॉन 3, चाहे आप ऐसे निकाल लो 1 अपॉन आर 1 प्लस 1 अपॉन आर 2 करके, क्लियर। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में करते हैं ऐसे ही यहाँ थर्मल हीट में करेंगे। तो देखिए ये कह रहा है सिक्स आइडेंटिकल रॉड्स मेड अप ऑफ द टू डिफरेंट मटेरियल्स आर कनेक्टेड एज सोन इन एज सोन दैट देन कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ जंक्शन बी। ये कह रहा है हमारे पास छह रॉड हैं आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब लेंथ सेम होगी एरिया ऑफ क्रॉसेक्शन सेम होगा, मटेरियल भी सेम होता, मगर उसने मटेरियल के बारे में कह दिया कि डिफरेंट मटेरियल्स आर कनेक्टेड टू डिफरेंट मटेरियल्स, मतलब एक देखिए एक रॉड तो ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये चार तो ये हो गई, एक पाँचवीं ये है और छठी है, इसमें दो मटेरियल उसने यूज़ किए हैं, ये एक्स ये एक्स ये एक्स वाली है, ये वाई ये वाई ये वाई वाली, यानी कि तीन रॉड एक जैसी और तीन रॉड एक जैसी, ठीक, डायमेंशन छह की सेम है। क्या पूछ रहा है इस बी पॉइंट का जंक्शन का टेम्परेचर पूछ रहा है, इसका टेम्परेचर दे रखा 60 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका दे रखा 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इस जंक्शन का पोटेंशियल बताइए,
मतलब इस पोटेंशियल, इस जंक्शन का पोटेंशियल मतलब टेम्परेचर बताइए, ठीक है। तो देखिए हमें क्या करना है, टेम्परेचर ऑफ जंक्शन बी निकालना है, ठीक। गिविन क्या क्या है, उसने रखा है जो कंडक्टिविटी है एक्स मटेरियल की, तो वो कितनी दे रखी है, कितनी 0.46 कैलोरी पर सेकंड पर मीटर डिग्री, मीटर पर डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे के वाई, वाई मटेरियल की कंडक्टिविटी दे रखी है कितनी, 0.92। चलिए जी, तो देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं जी, थोड़ी देर के लिए ऐसे मान सकते हैं। देखिए यहाँ देखिए रेजिस्टेंस निकालो एक्स रोड का, एक्स रोड का एक रेजिस्टेंस निकाल लो, तो इसे आर एक्स कह रहा हूँ किसी एक रोड का। तो थर्मल रेजिस्टेंस होता क्या है, एल अपॉन के इन टू ए, एल तो इसकी एल मान रखी है हमने, और के भी, के कितना दे रखा है इसका, एक्स का कितना रखा, 0.46, और रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। तो एक तो फॉर्मूला ये हो गया। अगर मैं वाई का निकालूँ, अब वाई वाले का रेजिस्टेंस निकालूँ आर वाई, तो एल अपॉन के ए, एल तो एल है, के कितना है इसका, 0.92 इंटू ए। तो इन दोनों में अंतर देखिए, ये इसका जस्ट ट्वाइस है, जस्ट ट्वाइस का मतलब यानी कि अपॉन में आ रही है। अगर ये वैल्यू कितनी हो गई, अगर ये आर होगी तो वो कितनी होगी, 2R होगी, क्योंकि इससे जस्ट ये डबल है, और ये है कहाँ, अपॉन में, अपॉन में है। तो अगर आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो इनका रेशियो कितना आएगा, 1:2 आएगा। तो अगर ये कितना है आर, इसे मैं थोड़ी देर के लिए कितना मान लूँ आर, तो वो कितना होगा, 2R होगा। तो बस समझ में आ गई बात कि एक्स रोड का रेजिस्टेंस अगर 2R है तो वाई रोड का कितना होगा, आर होगा। अब तो बात खत्म हो गई। तो ये कितना हो गया जी, अब इसे हम क्या कर सकते हैं, ये कितना है 2R, ये कितना है 2R, ये कितना है 2R, ये कितना है R, ये कितना है R, और ये भी कितना है R। अब ये 20:20 बनता दिखाई दे रहा है इतना, चेक करिए बैलेंस है कि नहीं। आमने सामने के मल्टीप्लिकेशन कितनी हो गई, 2R स्क्वायर, और ये भी कितनी हो गई, 2R स्क्वायर। तो ये बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया, तो इसे हटा दो बीच वाले को, बीच वाले को हटाते ये सिचुएशन बन गई। ये 2R सीरीज में है कितना हो गया, 4R। ये RR सीरीज में है कितना हो गया, 2R। तो इसका तो हो गया 4R, इसका कितना हो गया, 2R। 4R फिर किस में आ गए, पैरेलल में, तो ये पैरेलल में हो गए, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 3/4R, ठीक है, 4R/3, क्योंकि दोनों की मल्टीप्लाई अपॉन दोनों का सम। तो मल्टीप्लाई 4×2 कितना आएगा, 8, और सम कितना आएगा, 6। तो 8/6 का मतलब हो गया 4/3R। तो ये कितना हो गया, 4/3R, 4/3R और 2R ये किस में हो जाएंगे, फिर सीरीज में हो जाएंगे, तो फिर ऐड कर देंगे। तो 4R/3 ये इन दोनों का हो गया 4R/3, और ये इसका रिजल्टेंट जो आएगा वो इसके साथ किस में होगा, सीरीज में। तो 4R/3+2, तो +2 और कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 10R/3 हो जाएगा। तो देखिए, तो ये क्या हो गया जी, यहाँ पे ये हो गया था, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया था, इसका इक्विवेलेंट आ गया था 4R/3, और इसका कितना आ गया था, 2R। और यही तो था बी पॉइंट, क्योंकि ये बी स्टोन ब्रिज था पूरा, इसे हमने सोल्व कर लिया। और ये इस बी पॉइंट का हमें जंक्शन टेम्परेचर निकालना है, और इसका हमें दे रखा था कितना, 60, और इसका दे रखा था 10। तो बस हमें क्या करना है, जब इसका कॉमन टेम्परेचर निकालना, तो दोनों में ये सीरीज में है दोनों, और सीरीज में है तो दोनों में करंट क्या होगी, सेम। तो जो करंट इसमें होगी वही करंट इसमें होनी चाहिए। इसमें करंट कितनी होगी, मान लो ये हाई टेम्परेचर है, ये लो टेम्परेचर, तो टोटल करंट यहाँ से यहाँ को फ्लो कर रही होगी। तो इसकी करंट कितनी होगी, इसकी करंट होगी 60-T/2R, वो इजिकल टू होना चाहिए किसके, T-10/4R/3। क्लियर होगी बात, इसकी करंट इक्वल होनी चाहिए इसकी करंट, क्यों, क्योंकि ये सीरीज में है। तो I1 इक्वल होनी चाहिए I2, I1 किससे निकल गई, 60-T/2R, और I2 किससे निकलेगी, T-10/ कितना, इसका रेजिस्टेंस है 4R/3। यहां से सॉल्व कर लेंगे, टेम्परेचर आ जाएगा। गोल्डन की पॉइंट रिगार्डिंग किसके, कंडक्शन के। तो कंडक्शन के रिगार्डिंग फिर वही बात, ये ही बात इंपॉर्टेंट है बस, क्या है, जो अगर हम बात करें रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, तो किससे आएगी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या थी, KA(θ/L), और करंट किससे निकल रही थी, ∆B/∆R, और यहाँ ∆V की जगह क्या था, ∆θ, तो ∆θ/R, और R कैसे निकल रहा था, L/KA, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर सीरीज में है तो कैसा आ रहा था, R1+R2 से, और अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो कैसा आ रहा था, 1/R1+1/R2 से। और एक क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन इफ रोड आर यानी के इंटरचेंजिंग। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये कह रहा है हमारे पास एक ये है जंक्शन कितना 100°C पे, एक ये जंक्शन है कितना 0°C पे, और ये दो रोड आपस में मीट कर रही हैं, और इनकी जो मीटिंग पॉइंट है उस पर टेम्परेचर कितना है 70°C। इसकी भी लेंथ एल है, इसकी भी लेंथ एल है, इसका कंडक्टिविटी कितनी है K1, इसकी K2 है। अब क्या करा, इस वाली रोड को तो उठा के इधर रख दिया, और इस वाली को उठा के इधर रख दिया, इंटरचेंज कर रही हैं, मतलब ये K1 तो इधर ले गया और K2 इधर ले आए, तब इस यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है। तो पहले तो टेम्परेचर कितना था 70, अब क्या होगा, तो समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है। तो सुनिए,
तो जंक्शन का टेम्परेचर हमें निकालना है, ये क्या होगा, रोड क्या कर दी, जब एक्सचेंज, जब रोड एक्सचेंज कर देंगे तो फाइनल जो दोबारा से जंक्शन बनेगा उसका टेम्परेचर ये टी क्या होगा। तो देखिए, तो सीरीज में है, सीरीज में है कि नहीं है, जब सीरीज में है भैया जी तो करंट जितनी इसमें फ्लो कर रही होगी उतनी इसमें फ्लो कर रही होगी, दोनों में करंट क्या होगी सेम। तो इसकी करंट होगी कितनी, इसकी करंट होगी 100 माइनस 70 अपॉन क्या होगा आर वन, ठीक है, वो आर वन तो निकाल लेंगे हम, किससे निकल जाएगा एल वन अपॉन के वन इंटू ए से, वो इजिकल टू होगा आई टू, और ये आई टू कितनी होगी 70 माइनस 0 अपॉन कितना आर टू। तो एक तो सिचुएशन ये बन गई, यहां से सोल्व करें तो कितना आ गया 30, यहां से सोल्व करें तो 70, तो ये एक रिलेशन आ गया। R1 R2 की वैल्यू K में रख ली, रखने की जरूरत नहीं है, ऐसे निकल जाएगा R से ही, मत रखिए ऐसे, क्योंकि मुझे जंक्शन का टेम्परेचर तो निकालना है, तो इसकी इनके इस L K A की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा बस ऐसे ही रख दीजिए, ठीक, ये R1 और R2, ये एक रिलेशन आ गया। अब यहां देखिए, नया जंक्शन बना दिया मैंने, रोड को एक्सचेंज कर दिया तो नया जंक्शन बन गया, इस जंक्शन का मुझे टेम्परेचर निकालना, तो मैंने मान लिया कितना है टी है, तो अब इसमें जो करंट फ्लो होगी वो भी वो इसमें होगी, क्योंकि अब भी सीरीज है, तो इसमें अब करंट कितनी फ्लो होगी 100 माइनस टी अपॉन आर टू, अब ये आर टू हो गया होगा, पहले वो आर वन था अब क्या हो जाएगा आर टू, तो 100 माइनस टी अपॉन आर टू इजिकल टू होना चाहिए जो इसमें करंट होगी, इसमें कितनी करंट होगी टी माइनस जीरो अपॉन आर वन, ठीक है, यहां से सोल्व करिए, तो बस ये बस दो इक्वेशन बन गई, कौन सी इक्वेशन बन गई, एक ये और एक ये, यहां से आप क्या करें आर वन की वैल्यू निकाल लो, आर वन की आर टू के फॉर्म में निकाल लो, देखो आर वन कितना आ जाएगा, जीरो से जीरो कट हुआ, तो आर वन अगर मुझे निकालना है तो आर वन कितना आ जाएगा थ्री आर टू अपॉन सेवन, तो आर वन की वैल्यू यहां से रख लूंगा कितनी थ्री आर टू अपॉन सेवन, वो आर टू की वैल्यू यहां रख दो कितनी थ्री आर टू अपॉन सेवन, तो जब इस वैल्यू को रख देंगे तो बस क्या नॉन रह जाएगा हमारे पास, हमारे पास सीधा सीधा ये आप क्या करेंगे इसमें ये ऐसा रखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा यहीं से सोल्व हो जाएगा, बस यहाँ से इन दो इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे, R1 R2 की वैल्यू आप क्या कर देंगे, देखिए दोनों इक्वेशन को जब सोल्व करेंगे तो टेम्परेचर निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ से आप क्या करें R1 की वैल्यू उठा के वहाँ रख दो, जब R2 की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ रख दूंगा तो वो R1 की फॉर्म में आ जाएगी, R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा, बस T अननोन बचेगा वो निकल जाएगा, कितना आ जाएगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए ये कह रहा है द एंड्स ऑफ टू रोड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स विद देयर थर्मल कंडक्टिविटी रेडियस ऑफ द क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ आर ऑल आर इन द रेशो ऑफ 1:2। ये कह रहा है कंडक्टिविटी का रेशो, रेडियस का रेशो और क्रॉस सेक्शन, और रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन का रेशो और लेंथ का रेशो वो कितना है 1:2 है। आर मेंटेन एट द सेम टेम्परेचर डिफरेंस इफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इन द लार्जर रोड, जो बड़ी रोड है, इज कितना है जी 4 कैलोरी पर सेकेंड, देन कैलकुलेट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इन द शॉर्टेस्ट रोड। तो ये कह रहा है कि दो रोड हैं जो उनके एंड आपस में मिले हुए हैं और उनकी रोड का लेंथ, कंडक्टिविटी का रेशो कितना है 1:2, रेडियस का रेशो कितना है 1:2 और लेंथ का रेशो कितना है 1:2, ठीक, और दोनों के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो कांस्टेंट बना हुआ है सेम, यानी कि दोनों एंड्स के बीच में दो रोड हैं, दोनों पहली रोड जो है उसके दोनों एंड्स के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कितना है थीटा वन माइनस थीटा टू, और जो दूसरी रोड है उनके दोनों के टर्मिनल्स के बीच में भी टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, मतलब एक ये रोड है जैसे, तो इस रोड के दोनों एंड के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कितना है थीटा वन माइनस थीटा टू, अगर पहले में थीटा वन माइनस थीटा टू है तो दूसरे में भी कितना है थीटा वन माइनस थीटा टू है, मतलब अगर पहली रोड में टेम्परेचर डिफरेंस दोनों एंड के बीच में 50 डिग्री है तो दूसरे में भी क्या है 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। चलिए, तो दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस, दोनों रोड के दोनों एंड का टेम्परेचर डिफरेंस क्या है सेम है, मतलब दो अलग अलग रोड हो गई, एक ये और एक ये हो गई, ठीक है, इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस ये है तो इन दोनों का भी है, यानी मतलब ये थीटा वन थीटा टू है तो वो भी क्या है थीटा वन थीटा टू है। चलिए, इस कह रहा है पहली रोड से, पहली दूसरी नहीं, उन्होंने कहा जो बड़ी रोड है उससे जो रेट फ्लो हो रहा है, यानी कि जो हीट फ्लो हो रही है वो किस रेट से फ्लो हो रही है, 4 कैलोरी एनर्जी निकल रही पर सेकेंड। तो ठीक है जी, तो क्या हो गया, बड़ी कौन सी है, पहली है कि दूसरी है, तो बड़ी देखिए लार्जेस्ट कौन सी है, एल वन अपॉन एल टू का रेशो 1:2 है, तो इसका मतलब सेकेंड वाली बड़ी हो गई। तो ये जो थर्मल हीट है, जो थर्मल करंट है वो क्या हो गई, यानी कि जिसके हीट मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट वही तो करंट है, Q अपॉन टी क्या हो गया रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, और उसे क्या बोलते हैं थर्मल करंट। तो I2 की वैल्यू कितनी दे दी उसने 4 कैलोरी पर सेकेंड, I1 पूछ रहा है, I मतलब Q अपॉन टी। तो देखिए, तो I इजिकल टू होता क्या है, I के मेरे पास फॉर्मूले कौन कौन से हैं, I इजिकल टू एक तो क्या है डेल्टा थीटा अपॉन आर है,
आई मतलब क्यू अपॉन टी, तो एक तो रेशो क्या हो गया डेल्टा थीटा अपॉन आर, आर की वैल्यू मुझे पता है एल अपॉन के ए, ठीक। इस के ए को ऊपर ले जाऊं तो देखो वही फॉर्मूला बन जाता है, ये क्यू अपॉन टी का ही तो फॉर्मूला है, कितना के ए डेल्टा थीटा अपॉन एल, एक ही बात है, यहीं से तो आर निकाला था ये। चलिए जी, तो यहाँ से जो आई का फॉर्मूला है वो कितना है के ए, ये ऐसे बनाने की जरूरत नहीं, हमें डायरेक्ट भी पता होता है, तो कितना है वो के ए डेल्टा थीटा अपॉन एल, और एरिया होगा क्या पाई आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस दे रखी उसने, और रेडियस दे रखी तो हम हमेशा क्या मानते हैं सर, यानी कि जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसे क्या मानते हैं हमेशा सर्किल मानते हैं, और सर्किल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। क्लियर, ये फॉर्मूला हो गया जी किसका, आई का, या कह सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का, ठीक है, आई मतलब क्यू अपॉन टी, तो ये फॉर्मूला है। तो बस आई वन के लिए लगाइए पहली के लिए, तो आई वन इक्वल होगा थीटा वन माइनस थीटा टू अपॉन के वन इंटू पाई आर वन स्क्वायर अपॉन एल वन, ऐसे ये फॉर्मूला लगाइए आई टू के लिए, तो थीटा वन माइनस थीटा टू अपॉन के टू इंटू पाई आर टू स्क्वायर अपॉन एल टू। टेम्परेचर डिफरेंस तो दोनों का सेम दे रखा था, वो कैंसिल हुआ, पाई से पाई कैंसिल हुआ, बस क्या है आर वन अपॉन आर टू का रेशो दे रखा, देखो कितना वन बाई टू, के वन अपॉन के टू का रेशो दे रखा कितना वन बाई टू, ठीक है, और L1 अपॉन L2 का रेशो भी दे रखा कितना 1 बाई टू, बस ये सारी वैल्यू रख देंगे आंसर आ जाएंगे। क्लियर होगी बात, ये कितना निकल कर आ गया 1, क्योंकि इसकी वैल्यू में इसकी निकालनी थी और इसकी दे रखी थी कितनी 4, यहाँ 4 रख देंगे तो I1 की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है कैलकुलेट द हीट फ्लो पर यूनिट टाइम इन द ब्रांच सी डी इफ हीट फ्लो पर यूनिट टाइम फ्रॉम द पॉइंट ए इज कितना है जी 100 जूल पर सेकेंड। ये कह रहा है हमें हीट फ्लो बताना है, हीट फ्लो मतलब हीट फ्लो बतानी है पर सेकेंड, मतलब क्यू अपॉन टी बताना है, क्यू अपॉन टी मतलब क्या बताना है करंट बतानी, कौन सी हीटिंग करंट, हीटिंग करंट आई इक्वल टू तो होती है, आई इक्वल टू क्या होता है क्यू अपॉन टी, तो वो हीटिंग करंट बतानी किस में, इस सी डी वायर में। देखिए ये अरेंजमेंट है, ये एक वायर है ये, और इसमें एक वायर में जंक्शन ये है, इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक की कितनी है 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की कितनी है 20 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की कितनी है 10 सेंटीमीटर, ये दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ये 5 दे रखी है, और ये तो 20 होगी इसके इक्वल। तो कह रहा है इस ए पॉइंट से कितनी हीट फ्लो हो रही है 100 जूल पर सेकेंड फ्लो हो रही है, मतलब यहाँ ए पॉइंट से जो करंट पास हो रही है वो कितनी है 100। क्लियर होगी बात, ए पॉइंट से जो करंट पास हुई है वो कितनी है 100 है, तो यहाँ से 100 गई, तो यहाँ से 100 गई, अब इसमें बतानी इसमें कितनी करंट जा रही होगी, तो मान लो इसमें कितनी करंट चले गई इस वाले वायर में आई, तो इसमें कितनी रह गई होगी 100 माइनस आई रह गई होगी कि नहीं, यहाँ से करंट आई 100, उस 100 में से आई चली गई इसमें, तो यहाँ से कितनी चली गई होगी आई 100 माइनस आई चली गई होगी। क्लियर, अब इसमें इस पॉइंट में पूछ रहा है करंट इस वायर में, और इसमें हमें पता है कितनी, इसमें तो कितनी है आई और इसमें कितनी है 100 माइनस आई। ध्यान दीजिए इन दोनों का पोटेंशियल क्या है, ये दोनों पैरेलल में है कि नहीं, ये दोनों पैरेलल में है, जो दोनों पैरेलल में है तो इन दोनों का पोटेंशियल क्या होगा सेम होगा, और इन दोनों अगर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में सोल्व करते तो एक रेजिस्टेंस ये होता है एक रेजिस्टेंस ये होता है, तो इन दोनों का पोटेंशियल क्या माना जाता है सेम, आप इसे रेजिस्टेंस बना लो, ठीक है, उससे भी सोल्व करेंगे। चलिए देखिए, तो देखिए हम क्या मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर की लेंथ का रेडियस कितना मान लेते हैं रेजिस्टेंस आर मान लेते हैं, ठीक है, तो ये कितनी थी 10 सेंटीमीटर तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया आर, ये कितनी थी 20 सेंटीमीटर तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया 2R, और इसका इसकी भी लेंथ कितनी थी 10 सेंटीमीटर तो इसका रेजिस्टेंस भी कितना हो गया R, और इसकी लेंथ जब ये कितना और इसका रेजिस्टेंस कितना होगा पूरे का 5 सेंटीमीटर ये थी 20 सेंटीमीटर की ये थी और 5 की ये थी, तो टोटल कितनी हो गई 30 सेंटीमीटर हो गई, तो इस पूरे का रेजिस्टेंस क्योंकि सीरीज में तो होंगे सब जुड़ जाएंगे, ये देखो ये सब इतना पार्ट सीरीज में तो होगा, तो इन तीनों का रेजिस्टेंस इसका आर वाई टू इसका टू आर इसका आर वाई टू, तो जुड़ के कितना हो जाएगा ये 3R, ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस हो गया 3R। यहाँ से करंट आ रही थी कितनी 100, 100 में से मान लीजिए ऊपर चली गई आई तो इधर कितनी रह गई 100 माइनस आई, और ये दोनों किस में है पैरेलल में है कि नहीं है ये बताओ, बस दोनों पैरेलल में है तो जो पोटेंशियल इसके अक्रॉस होगा किसके 3R के अक्रॉस वही पोटेंशियल किसके अक्रॉस होना चाहिए 2R के अक्रॉस, बस इसका पोटेंशियल क्या होगा V इक्वल टू होता है I इनटू R, तो इसका पोटेंशियल हो गया V, यानी कि देखिए पोटेंशियल क्या होगा इसका V इक्वल टू होता है IR, तो इसकी I तो कितनी है I और करंट R कितना है 3R, तो I इनटू 3R इक्वल होना चाहिए इसके पोटेंशियल के, वो कितना होगा I इनटू R, I है कितनी इसकी 100 माइनस I और रेजिस्टेंस कितना है 2R, दोनों क्या होने चाहिए इक्वल, मतलब इसका पोटेंशियल इक्वल होना चाहिए इसका पोटेंशियल क्योंकि आपस में पैरेलल में है, बस R से R कट गया, यहाँ से सोल्व करेंगे तो यहाँ से I कितनी आ गई 40
40 एम्पियर, ठीक है। और अगर ये करंट में ले रहे हैं तो एम्पियर, और हीटिंग करंट में लेंगे तो क्या हो गया, जूल पर सेकंड। तो अगर इससे कितनी करंट फ्लो कर रही थी, इससे कितनी हीट फ्लो कर रही थी, 100 जूल पर सेकंड कर रही थी, तो इससे कितनी करंट फ्लो कर हीट फ्लो कर रही होगी, 40 जूल पर सेकंड, किससे, सी और डी वायर से। नेक्स्ट देखिए रेडिएशन फ्लो। रेडिएशन फ्लो की बात करें, रेडिएशन फ्लो का मतलब क्या है कि हम रेडिएशन का मतलब है कि एनर्जी क्या है, जो हीट है वो क्या कर रही है, यानी कि सिस्टम से सराउंडिंग में जा रही है, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट से क्या है, सराउंडिंग में जा रही है। तो ध्यान दीजिए हमें क्या होगा, जैसे जो आई थी करंट, यानी कि करंट मतलब क्या थी, हीटिंग करंट, हीटिंग करंट मतलब यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, ठीक है। तो वो क्या था, के, वो के ए थीटा वन माइनस थीटा टू अपॉन एल था। इसे हम क्या लिख सकते हैं, आई इजिकल टू होगा के ए, इसे क्या लिख सकते हैं, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा, मतलब देखिए ये है डेल्टा थीटा और ये थी लेंथ, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा थीटा अपॉन डीएक्स। डीएक्स क्यों रख रहे हैं, क्योंकि सुनिए क्या होगा, यहाँ से मान लीजिए यहाँ से हीट फ्लो हुई, यहाँ से हीट फ्लो हो रही, यहाँ आई, यहाँ आई, यहाँ आई, तो हीट इसमें से क्या होगी, निकलेगी। तो किसी पर्टिकुलर रेट पर हम देखेंगे कि एक्स डिस्टेंस दूरी पे एक सेगमेंट मान लिया मैंने डीएक्स का, जिनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कितना, डी थीटा है, और इसकी लेंथ कितनी है, डीएक्स है, क्योंकि इधर से इधर जाने पर टेम्परेचर क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। तो मैं क्या मानता हूँ, एक सेगमेंट मान लेता हूँ कि एक्स डिस्टेंस दूरी पे एक छोटा सा सेगमेंट मान लिया जिसकी लेंथ कितनी है डीएक्स, और जिसका टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, डेल्टा थीटा। तो वही क्या होगा, तो यहाँ पे क्या आई रखेंगे, के ए, तो थीटा वन माइनस थीटा टू की जगह लिख देंगे डेल्टा थीटा, और लेंथ की जगह लिख देंगे डीएक्स। ये क्या हो गया, ये कहलाएगा टेम्परेचर ग्रेडेंट। ग्रेडेंट मतलब जब भी किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी चेंज को आप क्या करते हैं, पर लेंथ निकालते हैं, यानी कि डिस्टेंस से डिवाइड करते हैं, तो उसे बोलते हैं ग्रेडेंट। तो ये टेम्परेचर का चेंज है और इसे डिस्टेंस से मैंने डिवाइड कर दिया, यानी कि टेम्परेचर चेंज डिस्टेंस के साथ में कैसे वेरी कर रहा है, तो उसे बोलेंगे टेम्परेचर ग्रेडेंट। माइनस साइन क्यों लगाया है, माइनस साइन इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है, ये रेडिएट हो रही है चीज़, ठीक है, क्या हो रही है, रेडिएट हो रही है, यानी कि रेट क्या होगा। देखिए रेडिएशन का क्या है कि इसमें क्या है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर को जा रहा है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर को। तो जब हम फाइनल माइनस इनिशियल रखेंगे तो फाइनल तो हो गया लो वाला, और इनिशियल क्या हो गया, इनिशियल क्या हो जाएगा, इनिशियल हो जाएगा, फाइनल हो गया लो वाला, इनिशियल होगा हाई वाला, तो इसलिए माइनस आएगा। तो वो माइनस क्या है, प्लस में हो जाए, इसलिए क्या लगाएंगे, माइनस। तो माइनस साइन का मतलब है कि रेडिएट हो रही है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। चलिए जी, तो इनिशियल था, ये फाइनल था, ये देखिए। तो इस पर क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन से समझ में आएगी बात क्या है। ये कह रहा है कैलकुलेट द हीट करंट, कैलकुलेट द हीट करंट इन द फॉलोइंग केस, कैलकुलेट द हीट करंट इन द फॉलोइंग केस इफ द टेम्परेचर ऑफ द इनर सेल इज थीटा वन एंड द टेम्परेचर ऑफ द आउटर सेल कितना है जी, थीटा टू। मेरे पास एक होलो स्फीयर है, सेल मतलब जिसकी दो रेडियस हों, एक ये इनर सेल हो गई कितनी, इसकी इनसाइड रेडियस कितनी हो गई आर वन, और एक ये आउटर सरफेस हो गई, इसकी रेडियस कितनी हो गई आर टू। तो एक की रेडियस R1 और एक की रेडियस कितनी हो गई R2। बीच में ये स्पेस क्या है, सॉलिड है, और ये बीच में क्या था, ये कैविटी थी, होलो था, ठीक है। सेल किसे बोलते हैं, जिसके अंदर क्या आ जाए, कोई कैविटी आ जाए, यानी कि रिक्त स्थान आ जाए। तो ये स्पेस खाली है, ये बिल्कुल सॉलिड है, यहाँ से इसकी इनर रेडियस R1, आउटर रेडियस क्या है R2। इसका इनर सरफेस का टेम्परेचर थीटा वन और आउटर सरफेस का कितना है थीटा टू। तो यहाँ से रेडिएशन होगा, हीट निकलेगी, हीट बाहर निकलेगी, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, क्योंकि थीटा वन बड़ा है थीटा टू से। मान लेते हैं किस रेट से ये फ्लो कर रही होगी, जो करंट फ्लो हो रही होगी, तो आप क्या करते हैं, मान हम क्या कर लेते हैं, हम एक पर्टिकुलर सेगमेंट मान लेते हैं, क्या करेंगे, एक्स डिस्टेंस दूरी पे, एक्स रेडियस पे, एक्स रेडियस का एक छोटी सी थिकनेस, यानी कि कितनी मोटाई का, डीएक्स मोटाई का एक स्फीयर ले लेते हैं, इसमें एक क्या लेते हैं, ये सेगमेंट ले लेते हैं जिसकी मोटाई कितनी है, यानी कि डीएक्स, और जिसकी रेडियस कितनी है एक्स। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा सेल ले लेंगे, मन में मान लेंगे इसको, जिसकी रेडियस कितनी होगी एक्स, और जिसकी थिकनेस कितनी होगी डीएक्स होगी। तो अब देखते हैं, तो देखिए जी, तो जो हीट है, जो हीटिंग करंट है वो क्या होगी, माइनस के ए डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ठीक। अब क्या रखें, के तो के है, एरिया क्या होगा, एरिया किसका, उस सेगमेंट का, कौन से सेगमेंट का, जिसका, जिसकी रेडियस कितनी है डीएक्स और मोटाई कितनी है, जिसकी रेडियस तो एक्स है और मोटाई कितनी है डीएक्स है। तो एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर ही तो होता है एरिया, किसका, जो थिकनेस है ना, कि पाई आर एक्स आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर स्पीयर का। तो इस स्पीयर का जो सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई फोर पाई आर स्क्वायर। तो फोर पाई आर कितनी थी एक्स, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स।
जहाँ पे एरिया क्या हो गया 4πx2। चलिए अब क्या करें, एक्स एक्स को एक तरफ करें तो ये क्या होगा, अगर हम बात करें इस dx को इधर ले जाऊँ तो dx/x2 = क्या होगा k 4π dθ और अपॉन में क्या आ जाएगा i। अब बस इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये डिस्टेंस रेडियस कहाँ से वेरी करेगी, r1 से लेके r2 तक, और टेम्परेचर कहाँ तक वेरी करेगा, θ1 से लेके θ2 तक। अब तो बस इंटीग्रेट करना है, अब तो नॉर्मल सा प्रॉब्लम हो गया। 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये पावर ये ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा x^-2। x^-2 का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो जो पावर होती है उसमें एक बढ़ा देंगे, और जो बढ़ा के जो पावर आएगी उससे क्या कर देते हैं डिवाइड, और लिमिट लोअर टू अपर -k 4πi। इसका dθ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा थीटा, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट, बस अपर लिमिट माइनस क्या रखेंगे लोअर लिमिट। देखिए यहाँ तो क्या बचेगा x^-1 और यहाँ से क्या बचेगा -1, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया -1/x आ गया। तो ध्यान रखें 1/x2 का इंटीग्रेशन कितना आता है -1/x2। इस माइनस को भी हटाओगे या तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बस अपर लिमिट माइनस क्या कर देंगे लोअर लिमिट। अब ऐसे यहाँ करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि θ2-θ1। ठीक है, बस अब तो सोल्व करते चले जाएंगे, अब तो हमें क्या निकालना है, इसको सोल्व करके बस ये आई निकालनी है। क्लियर, सेम कहानी एक और देखिए, ये सिलेंड्रिकल फ्लो है, ये कह रहा है फाइंड आउट द हीट करंट इन द फॉलोइंग केस, इफ द टेम्परेचर ऑफ द इनर ट्यूब इज θ1 एंड द टेम्परेचर ऑफ द आउटर ट्यूब कितना है θ2। एक ये ट्यूब है सिलेंड्रिकल फॉर्म में, ये क्या है इसकी जो इनर रेडियस है वो कितनी है r1 है, और आउटर रेडियस कितनी है r2 है, इनर का टेम्परेचर θ1, आउटर का कितना है θ2। तो आप क्या करेंगे, सेम वही करेंगे, सेंटर से एक x डिस्टेंस दूरी पे एक थिकनेस की ट्यूब मान लेंगे जिसकी मोटाई कितनी होगी dx, बस ठीक है, x रेडियस का एक ट्यूब मानेंगे जिसकी मोटाई कितनी होगी dx, उसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे और फिर इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से θ1 से लेकर θ2 तक, और रेडियस को इंटीग्रेट कर देंगे r1 से लेकर r2 तक। तो देखिए तो i = क्या है -ka δ θ/dt। ठीक, बस a निकालिए, a कितना होगा सिलेंडर का एरिया सरफेस का, सरफेस देखिए टेंजेंशियली क्या है, टेंजेंशियली रेडिएशन हो रहा है, लेंथ के अलोंग नहीं मूव कर रही हीट कहाँ निकलती है हमेशा आउटर, ठीक है, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर को भागेगी। चलिए तो यहाँ देखिए तो k है, एरिया क्या होगा सिलेंडर का देखिए इसकी सर्कमफेरेंस कितनी होगी 2πr और इनटू इसकी मोटाई, तो 2πx एक तो हो गई, 2πr तो हो गई, इसकी r तो होगी रेडियस, और l क्या हो गई उस सिलेंडर की लेंथ हो गई। ठीक है, तो 2πr इंटू l dx dθ/dx। ठीक है, बस x को एक तरफ करिए, dx को यहाँ लाएंगे तो x अपॉन में आ जाएगा, तो dx/x, बाकी i को इधर ले जाएंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, यहाँ पर dx है, यहाँ पर dθ है, यहाँ θ की लिमिट रख देंगे θ1 से लेकर θ2, यहाँ x की लिमिट रख देंगे r1 से लेकर r2 तक। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, ठीक, dθ का इंटीग्रेशन होगा θ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा θ2-θ1, यहाँ भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगा ये, ठीक, और log r2-log r1 को क्या लिख सकते हैं log r2/r1। यहाँ से सोल्व हो गया, बस क्या निकालना आई तो निकालना, तो आई इधर, बाकी सब कुछ नीचे। देखिए ये लास्ट पॉइंट है, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ऊपर वाला पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं आया कोई बात नहीं, यहाँ देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसमें तो कुछ है नहीं, वो जनरल बातें हैं, तो बहुत सारी बहुत जगह आएंगी इस टाइप की बातें। तो ये देखिए फॉर्मेशन ऑफ आइस इन लेक, जैसे क्या है इस टाइप से आपने देखा होगा, जैसे जो ठंडे इलाके हैं उनकी जो क्या होती हैं जो नदियाँ हैं उनका पानी क्या है जम जाता है ऊपर, उनकी नदी के ऊपर क्या हो जाती है बर्फ जम जाती है, तो वही है यहाँ पे क्या है, मान लीजिए जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर नेगेटिव में पहुँच गया -30°C पहुँच गया, तो ये क्या होगा यहाँ पे जो पानी है जो फ्लो है उसके ऊपर की परत क्या हो जाएगी आइस में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो मान लीजिए इतनी परत तो आइस बन चुकी है, अब धीरे धीरे मगर आइस और बढ़ती जाएगी, जब ये टेम्परेचर माइनस है तो ये तो उसको देता रहेगा हीट, ठीक है, हीट यहाँ से इसको क्या करती जाएगी, या कह सकते हैं हीट ऊपर फ्लो करती जाएगी, तो इसका टेम्परेचर क्या होता जाएगा डाउन होता जाएगा, तो ये क्या है आइस में बदलती जाएगी। तो मान लेते हैं कि ऑलरेडी पहले से जो आइस की परत बन चुकी कितनी मोटी वाई, अब जो आगे और बनने जा रही है वो मान लीजिए कितनी मान लेते हैं dy। ठीक, इस टर्मिनल का टेम्परेचर कितना है -30°C और उसका वाटर का कितना होगा 0 जो आइस में कन्वर्ट होने जा रहा है, कोई भी वाटर आइस में कन्वर्ट कब होगा जब पहले उसका टेम्परेचर क्या आ जाए 0। तो ये पानी क्या है आइस में कन्वर्ट होने जा रहा है, इतनी लेंथ इतनी थिकनेस तो आइस बन चुकी है, इतनी मोटी परत आइस की बन चुकी है, मान लीजिए फर्दर जिसकी बनने की तैयारी हो रही है वो कितनी है dy है। तो चलिए वाई तो क्या है थिकनेस ऑफ आइस लेयर विच इज ऑलरेडी यानी कि फ्रीज, जो ऑलरेडी फ्रीज हो चुकी है,
और डी वाई क्या है, थिकनेस ऑफ लेयर अंडर द फ्रीजिंग, जो अंडर द फ्रीजिंग है यानी कि जो लगातार धीरे धीरे फ्रीज यानी कि आइस में कन्वर्ट हो रही है। जहाँ पे के क्या है, के आइस क्या हो गया, थर्मल कंडक्टिविटी किसकी, आइस की। देखिए मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम आएगा एरिया इनटू लेंथ, ठीक है, इनटू डेंसिटी। अब एरिया तो क्या है, जो पूरी लेयर है ऊपर सबसे सरफेस का एरिया वो था ए, और कितनी थिकनेस हम ले रहे थे, डी वाई जो आइस जमने वाली है, ठीक है, इनटू डेंसिटी किसकी, वाटर की, वाटर ही तो जम रहा है। चलिए वाटर हो आइस हो एक ही बात है। अब यहाँ देखें तो डी क्यू क्या होगा, इसमें फेस ट्रांजिशन ही तो हो रहा है, सिर्फ फेस ट्रांजिशन हो रहा है, तो जो हीट है वो किस में जाएगी, लेटेंट वाली हीट की फॉर्म में जाएगी। तो यहाँ पे जो Q होगा वो m इंटू एल होगा, यानी कि डी क्यू जो होगा वो क्या होगा, m इंटू एल की फॉर्म में जाएगा। तो डी क्यू क्या हो गया, m इंटू एल, m हमने निकाल लिया मास, ठीक है, समझ में आ गई मास क्यों निकाला था, तो मास की वैल्यू रख दी इंटू एल, ये पहली इक्वेशन आ गई। अब दूसरी फॉर्म से, ये तो किस में आ गया, लेटेंट फॉर्म में, क्योंकि जिस फॉर्म में हीट जाएगी तभी तो आइस को, जब तो क्या करेगी, जीरो वाटर को जीरो आइस में कन्वर्ट करेगी, तो उसके लिए जो हीट है वो किसकी फॉर्म में जाएगी, लेटेंट की फॉर्म में, क्योंकि फेस ट्रांजिशन हो रहा है। अब अगर नॉर्मल हम देखें हीट कितनी ट्रांसफर हो रही है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, तो जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो हीट ट्रांसफर होगी वही तो इसको मेल्ट, इसको जमाएगी। तो देखिए यह कह सकते हैं जो हीट निकलेगी वो क्या करेगी, उसको जमा देगी। तो जो हीट निकलेगी वो किस फॉर्म में आएगी, यानी कि क्यू अपॉन टी, वो इक्वल होगा किसका, के ए थीटा वन माइनस थीटा टू अपॉन एल। तो रखिए जी इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, डी क्यू अपॉन डी टी, तो होगा के तो हो गया आइस का, ए हमारे पास एरिया है ही प्लेट का, और ये टेम्परेचर इनिश फाइनल क्या है, जीरो, और इनिशियल क्या था टी टू, क्या था माइनस टी, जीरो माइनस टी। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना आ गया, टी आ गया। तो यहाँ से कितना, जो डेल्टा थीटा डी टी को इधर ले जाएंगे तो डेल्टा क्यू कितना हो गया, के ए टी अपॉन वाई इंटू डी टी, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। तो क्यू क्यू को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, ये थर्मल लेटेंट हीट इसके इक्वल होनी चाहिए, तभी तो आपस में आइस जमेगी, ठीक है। तो बस दोनों को इक्वल करेंगे, यहाँ से सोल्व करते चलाएंगे, तो ये फाइनल फॉर्मूला बन रहा है, ये आपको याद कर लेना है, रट लेना है इसको, क्या है वाई, ये बन गया जी, इसको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ से बन गया वाई स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू के आइस अपॉन टी अपॉन डेंसिटी इंटू लेंथ इंटू क्या हो गया टी, टी है टाइम। तो यहाँ से देखें तो जो वाई स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ठीक है, ये डायरेक्टली बस ये बात याद होनी चाहिए। y क्या थी, थिकनेस थी जो आइस पहले से जम चुकी थी, ठीक है, या कह सकते हैं थिकनेस ऑफ वाटर जो आइस बनने वाली है वो, उसे भी वो भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो dy मानी थी हमने। तो y क्या हो गई, थिकनेस हो गई, या कह सकते हैं y क्या है, यानी कि थिकनेस ऑफ वाटर जो आइस बनने वाली है। दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं, थिकनेस ऑफ आइस यूज़ कर सकते हैं इसे, या थिकनेस ऑफ वाटर यूज़ कर सकते हैं जो आइस में कन्वर्ट होने वाला है, और t क्या है, टाइम है। तो देखिए बस एक लास्ट क्वेश्चन है ये, इफ वन सेंटीमीटर आइस लेयर यानी कि थिकनेस फ्रीज इन द 30 डेज, देन आफ्टर हाउ मेनी डेज द थिकनेस ऑफ आइस लेयर बिकम्स 2 सेंटीमीटर। ये कह रहा है एक आइस यानी कि वाटर की जो है आइस बनती है, वो लेयर जो है 1 सेंटीमीटर की आइस लेयर बनने में 30 दिन लग जाते हैं, तो बताइए उसे 2 सेंटीमीटर की थिकनेस होने में कितना टाइम लगेगा। तो देखिए सीधी सीधी क्या क्वेश्चन लगाएंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू होगा टी के, y स्क्वायर डायरेक्टली प्रश्न होगा टाइम के, तो बस यहाँ रखिए y1 अपॉन y2 इक्वल होगा t1 अपॉन t2, यानी कि y1 अपॉन y2 का स्क्वायर इक्वल होगा t1 अपॉन t2। y1 कितनी थी, 1 सेंटीमीटर, y2 हमें कितनी करनी फाइनली 2 सेंटीमीटर, इन दोनों का स्क्वायर, और t1 कितना लग रहा था 30 डे, और t2 हमें निकालना है। तो यहाँ से जब सोल्व करेंगे तो कितना टाइम निकल कर आ गया, 120 डे, 120 दिन आ गए, 120 दिन किस में आ गए, 2 सेंटीमीटर, टोटल 2 सेंटीमीटर जमाने में। तो 1 सेंटीमीटर तो पहले से जम चुकी थी जिसमें 30 दिन लगे थे, और टोटल 2 सेंटीमीटर जमाने में कितने लगे, 20 दिन, तो अगली 1 सेकंड और जमाने में कितने, 1 सेंटीमीटर और जमाने में कितने लगे होंगे, 90 दिन, 120 माइनस 30। आगे बात समझ में कि नहीं आई, वो कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर इनिशियली जो पहली 1 सेंटीमीटर आइस है उसे जमाने में 30 दिन लगे थे, तो आगे इस पूरी थिकनेस को 2 सेंटीमीटर जमाने में कितना दिन लगेंगे, यानी कि अगली 1 सेंटीमीटर और जमाने में कितने दिन लगेंगे। तो एक सेंटीमीटर जमाने में लग गए थे 30 दिन, और 2 सेंटीमीटर जमाने में कितने दिन लग गए थे, 120 दिन। 1 सेंटीमीटर तो पहले से जम चुकी थी उसमें लगे थे 30 दिन, और टोटल 2 सेंटीमीटर जमाने में कितने दिन लग रहे हैं, 120। तो यानी कि दूसरी 1 सेंटीमीटर जो जमाने में दिन लगे वो कितने लगे, 90 दिन लगे हैं। आगे बात समझ में नहीं, पहले सेंटीमीटर को 30 दिन लगे और उससे अगले 1 सेंटीमीटर को कितने दिन लगे, 90, इसलिए टोटल 2 सेंटीमीटर को जमाने में कितने लगे थे, 20 दिन। तो आंसर क्या होगा, 90 डेज। क्लियर हो गई बात कि नहीं।
चलिए, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही है हर एग्जाम में, चाहे आप जेई एग्जाम में जाएं, चाहे आप नीट एग्जाम में जाएं, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर ही आएगा, ठीक है। और अब सेकंड लेक्चर इसका होगा हीट ट्रांसफर का, वहाँ से भी एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो ये दो क्वेश्चन तो मिनिमम लेके ही आता है हर साल हर एग्जाम में, ठीक है। थैंक्स।